कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा वाईफाई जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंद ज जन यमुना तीरवन चारे यमुना तीरवन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 गोपाल हो
govinda govinda gopalanandala krishna govinda govinda gopalanandala radhe govinda govinda gopalanandala krishna govinda govinda radhe govinda govinda gopal nandalal krishna govinda govinda gopal nandalal radhe govinda govinda gopal nandalal 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 govinda govinda gopal nandalal krishna govinda govinda gopal nandalal radhe govinda govinda gopal nandalal krishna govinda govinda gopal nandalal bolo hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare hey, hare krishna hare krishna hare va krishna krishna hare 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 rama bolo hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare rama hare rama 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 hare hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare 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 krishna hare krishna hare 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 rama hare rama 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama Rama Hare Hare Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, 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 Jaya, Jaya Prabhupad, Prabhupad. Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai धर्मराज हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की विदाई गौ प्रेमानंदे हरि हरि आराध्यो भगवान व्रजेश तद धाम वृंदावन राम्या काचिदुपासना ब्रजवधू व्रगेन या कपिता व्रगेन या कपिता श्रीमद्भागवतं
प्रमाण ममानं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरे न परा वंसी विभु शितकरात नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिम बफलादरोष्ठा पुरनेन्द सुंदर मुखातरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं अहं न जाने करारविन्दे नबदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटाशपत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिवश्व मृत्मेता दिव गोविंद दामो धर्मादवेति जय जय श्री राधा रमन जय जय नवलकिशो जय गोपी चिदचोर प्रभु जय जय माखन चोर नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः नमो ब्रह्मन देवाय गो ब्रह्मन हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा माधव की, शिष्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौ प्रेमानंदे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रतिस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के इस छठे दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित परम पूज्य बाबा बैद्यनाथ वैष्णवानाम अथाश्रम बाबा भोलेनाथ के चरणों में बैठकर हम सब यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में हम सब माता देवहूति भगवान कपिल देव का संवाद श्रवण कर रहे थे। बहुत सुंदर साधु की परिभाषा बताते हुए कपिल देव मुनि कहते हैं, मयि अन्येन भावेतम् भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते व्यक्तकर्मणां यक्तस्वजन्बान्धवः। वह साधु अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करता हो। साधु की परिभाषा बताते हुए भगवान कपिल देव कहते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। बोले वह साधु जो है, कल हमने आपको कुछ परिभाषा बताया कि साधु कैसा होना चाहिए, जो मान को सहे, अपमान को सहे, जो हर एक कष्ट को सहते हुए भी भगवान की भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न ना करे, वो साधु। आगे और कहते हैं कि वह साधु अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करता हो। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को प्रसन्न करो। और कृष्ण की भक्ति करने के लिए कुछ भी छोड़ना पड़ता है तो वह छोड़ देता है। वह ऐसा त्यक्त स्वजन बांधवा, इस संसार में जिस वस्तु को छोड़ना बहुत मुश्किल है, वह उसे एक झटके में छोड़ दे, वह साधु। हेमान जो मदाश्रय, जो मुझ कृष्ण की कथा में लीन हो चुका है, जो निरंतर मेरी कथा सुनता हो, जिनका जीवन ही मेरी कथा हो, और जो निरंतर मेरी कथा में मग्न रहता है, वही व्यक्ति इस प्रकार से अपना सब कुछ छोड़कर संसार की आसक्ति से मुक्त होकर मेरी भक्ति में परायण हो सकता है। अर्थात जिसका मन मुझ कृष्ण में लग चुका है, वह इस संसार में सबसे बड़ा साधु है। भले वो फुल पैंट शर्ट में हो, जींस पैंट में हो,
यदि उसका मन कृष्ण में लग चुका है तो वो सबसे बड़ा साधु। और इधर धोती पहने हुए, कुर्ता पहने, बड़ा बड़ा तिलक लगाए हैं, गले में बड़ी बड़ी माला है, लेकिन अलख निरंजन ये साधु नहीं है। अलख निरंजन बोलते अलख, अलख मतलब लखना, लखना समझते आप, गैस करना, अलख निरंजन। अभी तक ये भगवान को लख ही नहीं पाए तो ये साधु कहां से बन गए भाई हैं? इतने सुंदर भगवान है राधा माधव, इतने सुंदर हैं, और अभी तक यदि ये भगवान को ही नहीं समझ पाए तो ये साधु कैसे बन गए? अलख, भगवान को वो लखा ही नहीं जा सकता, तब तुम साधु कैसे बन गए भाई? यदि भगवान को नहीं लग सके तो फिर साधु कैसे? इस प्रकार कहते हैं। तब माता देवहूति ने कहा कि प्रभु, आज आपके प्रवचन से मुझे पता चला कि संसार के वस्तुओं से आसक्ति हटाकर साधुओं में लगाना चाहिए, परंतु साधुओं का संग करने से क्या मिलेगा, क्या लाभ? अभी तक तो साधु की परिभाषा बताए कि साधु कौन है, साधु का स्वभाव क्या है, साधु क्या करता है, अब बोलते कि उसके पास जाके क्या होगा, वो साधु के पास जाके क्या करेंगे? ऐसा बोलेंगे कि बाबा एक फल दे दो, नौकरी लग जाए मेरी, अभी मेरे पीठ पे हाथ रख दो, मेरा बिजनेस दौड़ने लगे, ऐसा बोलेंगे साधु के पास जाके? भगवान कपिल देव कहते शताम शताम प्रसंगात्मम वीर्य संविदो भवंती रित रशियान कथा। मां जब तुम साधुओं के पास जाओगी तो साधुओं के पास क्या होगा? साधुओं का मन कृष्ण में लगा है, इसलिए वो क्या करेंगे? कृष्ण की कथा करेंगे, और उस कृष्ण की कथा सुनकर भक्ति रित रस आयना तुम सुखी हो जाओगे। साधु के संग करने से क्या मिलता है? कृष्ण कथा मिलता है, कान भी प्रसन्न हो जाते हैं और हृदय भी आनंदित हो जाती है जब हम एक सच्चे साधु के पास जाते हैं। और नहीं तो एक डुप्लीकेट साधु के पास जाएंगे तो क्या, तुम्हारे ऊपर शनि चल रहा है, वो टेंशन देके भेजेगा। ऐसे ही कथा सुनाते हुए एक प्रभु जी कहते हैं कि एक बार एक आदमी एक साधु के पास गया, गुरुदेव बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं चल रहा है, घर पे लड़ाई, बच्चों बच्चे बात नहीं सुनते, बहुत टेंशन है। बाबा बोले तुम्हारे ऊपर शरीर की प्रकोप है। बोले क्या किया जाए महाराज? बोले एक काम करो, मुझे 1000 रुपए दो, मैं शनि की पूजा करूंगा, शनि हट जाएंगे। बोले महाराज 1000 रुपए तो नहीं है। बोले एक काम करो, 500 रुपए दो, मैं शनि की पूजा करूंगा, शनि हट जाए। बोले महाराज 500 रुपए भी नहीं है। बोले ठीक है छोड़ो, 100 रुपए दे दो। बोले महाराज 100 रुपए भी नहीं है। बोले ठीक है छोड़ो, 100 रुपए मत दो, 10 रुपए दे दो। तो बोलते महाराज 10 रुपए भी नहीं है। बोले चलो छोड़ो, 1 रुपया तो दे दो। बोले महाराज वो भी नहीं। बोले जब 1 रुपए भी नहीं है तो शनि क्या बिगाड़ेगा यार तेरा, तू जा तू जा। तो ये साधु नहीं है, और हमें इस कार्य हेतु साधु के पास जाना भी नहीं चाहिए कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, इसमें साधु क्या करेंगे? उसे बिजनेस चलाने आता तो साधु बन के बैठता। तो साधु के पास जाना चाहिए ज्ञान के लिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। और हेमा आदि निरंतर तुम ऐसे साधुओं की मुख से कथा सुनोगी तो तुम्हें भगवान का धाम अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तुम मुक्ति प्राप्त हो जाओगी तत् जेष्णा। और संतों के मुख से कथा सुनकर ही भगवान के प्रति श्रद्धा रति और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है
जब मुझ कृष्ण से प्रेम करना करने वाला व्यक्ति इस संसार में भी सुखी हो जाता है और मृत्यु के बाद अपने परलोक को भी सुधार लेता है, परलोक भी सुखमय हो जाता है। ये कब होता है, ये कब हो सकता है, हम सुखी कब हो सकते हैं? जब सच्चे साधु की संगति में जाएंगे, जब सच्चे साधु का संग ग्रहण करें, सच्चे संत के मुख से भागवत कथा का श्रवण करें। ध्यान रहे, जब भी किसी साधु के पास जाएं तो मात्र एक ही आग्रह होना चाहिए, ये संत हैं, हमें कृष्ण कथा भागवत कथा सुनाएंगे। साधु के पास अपना बिजनेस या फिर अन्य किसी कार्य को लेकर नहीं जाना चाहिए, कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि साधु अपनी वाणी से ही सपोर्ट कर सकता है, अपने वचन से ही सपोर्ट कर सकता है, और क्या कर सकता है। इसलिए आप भगवान के शुद्ध भक्त साधुओं के पास जाओ और कृष्ण कथा सुनो। इसलिए आप देखिए गीता में भी कृष्ण ने क्या किया। गीता में अर्जुन ने भगवान को नहीं कहा कि भगवान आप मेरे पीठ पे हाथ रखो, मैं युद्ध को जीत जाऊंगा। उसने कहा क्या, कर्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि तुम धर्म समुद्ध चेता यत श्रेय श्यात निस्त्रियम ब्रूहि तत्मे शिष्य ते यहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं हे कृष्ण, अब तक आपका मैं मित्र था, लेकिन अब मैं आपका शिष्य हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पीठ पे हाथ रखो या फिर फल दो, उन्होंने ये बताया कि अब मैं आपके शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य बन गया हूं, आप मेरे गुरु बन गए हो। अर्जुन ने कृष्ण को गुरु बनाया। यत श्रेयस्यात निश्चितम बुद्धि, हे कृष्ण आप मेरे गुरु हो, अतः मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, जिससे मेरा कल्याण हो, ऐसा उपदेश आप मुझे दीजिए। गुरु के मुख से उपदेश ग्रहण करना चाहिए भक्त। और आज ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो अपने आप को एक पत्थर की अंगूठी दे दे और कहे इसे पहन लो सब दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्रुव महाराज कहते हैं शुद्ध इच्छा थी कि मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा से नारद मुनि मिल गए, शुद्ध साधु प्राप्त हुआ और उस शुद्ध साधु के कारण ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई, नहीं तो फिर ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति। बोले तो यदि हमारे मन में जैसी इच्छा होगी वैसे गुरु मिलेंगे, यदि हमारे मन में इच्छा होगी कि हम संसार का भोग भी भोगे और धार्मिक भी कहलाएं तो हमें ऐसे गुरु मिलेंगे कि बच्चा कोई बात नहीं, सब कुछ खाओ सब कुछ पियो मांसाहार करो और मेरा नाम लेते रहना सब ठीक हो जाएगा, दारू पियो मेरा नाम लेते रहना ठीक हो जाएगा। परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे गुरु का शरण ग्रहण करने की क्या होती है, ऐसे गुरु के शरण को ग्रहण करने से भगवान की प्राप्ति तो कतई नहीं होती है, उल्टा हमारे जीवन का पतन हो जाता है। बोले उदाहरण देते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं कैसे, तो जैसे कोई आदमी समुद्र में डूब रहा है और कुत्ते की पूंछ पकड़ ले, कुत्ता भी डूबेगा और आदमी भी डूबेगा। तुम बनो गुरु और हम बने चेला, दोनों मिलकर करें ठेलम ठेला। तो ऐसे गुरु बहुत हैं, ऐसे गुरु और चेले नरक में जाकर भी ठेलम ठेला ही करते हैं, अतः ऐसे गुरु से हमें बचना चाहिए। अतः हमारे हृदय में ऐसी इच्छा होनी चाहिए, तब जाकर हमें शुद्ध गुरु शुद्ध संत महात्मा की प्राप्ति होती। बोले ऐसे गुरु के मुख से भागवत कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और यहां पर देवहूति भगवान के आदेश को सुनकर धन्य हो गई और देवी देवहूति के हृदय में शुद्ध भक्ति का प्राकट्य हो गया और भजन करके साधुओं का संग करके भगवान के धाम को प्राप्त। भगवान कपिल देव की कृपा से ही
देवी गंगा भी इस पृथ्वी पर आई। इस प्रकार भगवान कपिल देव की कथा अब इस प्रकार भगवान कपिल देव बहुत सुंदर अपनी माता को उपदेश दिए और उनकी माता ने भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त की। आगे की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कहते हैं, सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्यक्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अच्युत्यति अव्यदूतरूपं उध्वं हस्तं वेषभायां न मृगमानुषम्। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने सहसा एक अवतार धारण किया और यह अवतार कौन सा था? बोले नरसिंह, आधे नर और आधे सिंह। बिभ्रत दैत्य इंद्रम उर्जितम, क्योंकि दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वरदान से बहुत शक्तिशाली हो चुका था। ऐसा हिरण्यकश्यपु को ददार कर जे अपने तीक्ष्ण नख, अपने तीक्ष्ण नक्श से हिरण्यकश्यपु को फाड़ डाला। सुखदेव जी सुद गोस्वामी कहते हैं कि किस प्रकार भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकश्यपु को छाती पड़ा फाड़ा, तो कहते हैं एरकाम कटकृत्य था, जिस प्रकार चटाई बनाने वाला घास के तिनकों को फाड़ देता है अथवा कपड़ा बेचने वाला थोड़ी सी कैंची मारकर कपड़े को फाड़ देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु की छाती फाड़ दी। भागवत के सप्तम स्कंद में भगवान नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज की कथा आती है। कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान वरा ने हिरण्यकश्यपु को मारा तो उनकी पत्नी हिरण्याक्ष की पत्नी भानुमती देवी और उनकी माता दिति के हृदय में बहुत दुख हुआ। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी भाभी और अपनी मां को बहुत सुंदर प्रवचन किया। बोले मां तुम रोवो मत, तुम दुखी मत हो, मेरे भाई बड़े भाई को एक ना एक दिन मरना ही था। ये हिरण्यकश्यपु का प्रवचन है, बिल्कुल गीता की तरह प्रवचन किया इसने कि आत्मा जो है अमर नहीं है, मरता ही है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इसलिए हे माते, हे भानुमती देवी, आप चिंता मत करो, शरीर नाश हुआ है, आत्मा का नहीं। हिरण्यकश्यपु ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और उपदेश हिरण्याक्ष की पत्नी भानुमती और माता दिति का शोक भी चला गया, लेकिन हिरण्यकश्यपु खुद दुखी था। उनके जीवन में खुद वो दुखी था कि मैं विष्णु से बदला लूंगा, यह है असुरों का स्वभाव, खुद नहीं करेंगे दूसरों को बोलेंगे, इन्हें असुर कहा जाता है। इसलिए हम जब भी किसी दूसरे को बोलें तो उससे पहले हमारे जीवन में वो चीज धारण होनी चाहिए। हम जपा करने के लिए आपको बोल रहे हैं, हमें चाहिए कि सबसे पहले हम जप करें फिर आपको बोलें। यदि हम करेंगे और आपको बोलेंगे तो आप पे असर होगा, और खुद नहीं करता दूसरे को बोलते रहता है, उसको हिरण्यकश्यपु असुर कहा जाता है, जो खुद ना करे सिर्फ दूसरों को बोलते रहे। विष्णु से बदला लेना चाहता था, लेकिन यह जानता था कि विष्णु कोई साधारण व्यक्ति नहीं। हिरण्यकश्यपु जानता था कि विष्णु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। असुरों में भी यह बुद्धि उस समय थी भक्तों, परंतु आज मनुष्य में भी यह बुद्धि नहीं कि विष्णु कोई साधारण पुरुष नहीं। आज के मनुष्य खुद को ही विष्णु समझने लगते हैं। तो बोले विष्णु को मारने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए।
हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि ये बल प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए वृंदावन स्थित ब्रज वृंदावन में 12 वन है, यमुना नदी बहती है और यमुना के दोनों तट पर ये 12 वन है, और ऐसे ही यमुना के तट पर मधुवन नामक स्थान पर मधुवन नामक वन में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यपु तपस्या खड़ा करने के लिए खड़ा हुआ, वृंदावन तो आप जानते ही हैं, ब्रज वृंदावन में भगवान और भगवान की भक्ति का अद्भुत प्रभाव। वृंदावन में आप किसी से भी मिलो, श्रीमती राधा रानी का नाम लेंगे, राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोए, डार डार और पात पात पर राधे राधे हो। अब किसी को भी मिलिए, राधे राधे। दुकान वाला राधे राधे, साइकिल वाला राधे राधे, रिक्शा वाला राधे राधे, सभी वृक्षों के ऊपर भी राधे राधे। इस राधे राधे की ध्वनि गुंजमान वृंदावन में हिरण्यकश्यपु खड़ा था, तपस्या करने लगा। लेकिन उसी समय बाजू के वृक्ष में बैठे हुए सुक और शारिका भगवान का कृष्ण का नाम लेने लगे, और हिरण्यकश्यपु के कान में ये कृष्ण का नाम जाते ही वो डिस्टर्ब हो गया, बोले मेरे शत्रु का नाम। हिरण्यकश्यपु सोचा तपस्या करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए, तपस्या में क्रोध आ गया तो तपस्या अधूरी मानी जाती है। बोले डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, ये सोचकर हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या को छोड़ दिया और घर पे चला गया। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु देवी, कयाधु ने हिरण्यकश्यपु से कहा, पतिदेव आप तो लंबे समय तक तपस्या करके गए करने गए थे, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? हिरण्यकश्यपु ने कहा छोड़ो ना इस बात को। इतना कहकर हिरण्यकश्यपु घर पर जाकर सो गया, लेकिन उनकी पत्नी ये जीत पकड़ के रखा कि पतिदेव आप बताइए ना वापस क्यों आ गए, पतिदेव आप बताइए ना। और स्त्री हट आप जानते ही हैं, एक बार हट पकड़ लिया तो फिर उसे छोड़ना मुश्किल, कितना भी बड़ा पुरुष क्यों ना हो। राजा दशरथ जिनका 100 दिशाओं में रथ चलता था, बड़े बड़े देवता भी राजा दशरथ को युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाते थे, इतने बड़े राजा थे। लेकिन ऐसे राजा दशरथ कई कई के सामने लाचार हो गए, स्त्री के सामने झुकना पड़ता है। कयाधु ने बार बार कहा महाराज आप वापस क्यों आ गए, वापस क्यों आ गए? तब हिरण्यकश्यपु ने सोते सोते जवाब दिया, वृंदावन गया था मधुवन में, जब मैं तपस्या करने के लिए खड़ा हुआ, जब तपस्या करने लगा तो वृक्ष पर बैठे बैठे बोलने लगे, बोले छोड़ो ना क्या शत्रु का नाम लेना। ओ हिरण्यकश्यपु कृष्ण का नाम लेना नहीं चाह रहा था, विष्णु का नाम वो लेना नहीं चाह रहा था, बोले छोड़ो क्या वो कृष्ण का नाम ले, क्षमा करे, बोले क्या वो शत्रु का नाम लेना, छोड़ो बाद में बताओ। क्या तुमने कहने मरस बताओ 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 बताओ, बोले छोड़ो ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कयाधु ने कहा बताओ महाराज क्या बात है। जब पत्नी बहुत हट पकड़ ली तब हिरण्यकश्यपु के मुख से प्रथम बार कृष्ण का नाम निकल गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे रे। जैसे ही हिरण्यकश्यपु के मुख से यह नाम निकला, उसी समय कयाधु के गर्भ में एक बालक आ गया। असुर था लेकिन गर्भाधान भगवान के नाम से हुआ, भगवान के महामंत्र से कृष्ण कंसेशनस होकर इन्होंने गर्भाधान किया। इसलिए इतने बड़े असुर होकर भी इनके पुत्र महाभागवत भगवान विष्णु का परम भक्त भक्तराज भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज के रूप में जन्म। तो इस प्रकार देवी कयाधु गर्भवती, और कुछ दिनों के बाद हिरण्यकश्यपु फिर से तपस्या करने के लिए, लेकिन इस बार हिरण्यकश्यपु वृंदावन नहीं गया, बोले वहां बहुत मेरे दुश्मन का नाम लेता है, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। इस बार हिरण्यकश्यपु
तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत पर गए श्री नारद मुनि। इस कथा को राजसूय सभा में सुनाते और सुखदेव गोस्वामी वही कथा महाराज परीक्षित को सुनाते हैं कि परीक्षित हिरण्यकश्यपु गया है मंदार पर्वत पर, क्यों? कहते हिरण्यकश्यपु राजन अजयम अजर अमरम आत्मानाम अप्रतिद्वंदम एक राजम व्यधिष्ठतः। अमर बनने के लिए इस और इस पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट बनने के लिए और विष्णु का वध करने के लिए इस उद्देश्य हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए और मंदार पर्वत के तलहटी पे जाकर ये हिरण्यकश्यपु तप करने लगा। सतेपे मंद्र द्रोणम तप परमादारुणम परमादारुणम कहते हैं तपस्या करने लगा। तपस्या अनेक प्रकार की होती है भक्त, जब देवता लोग तपस्या करते हैं, भक्त तपस्या करते हैं, तो उस तपस्या का उद्देश्य होता है इस जगत में सब लोगों को भला हो, जगत में शांति आए, सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुख भागवेत्। भक्त जब साधु संत तपस्या करते हैं तो तपस्या का उद्देश्य होता है दूसरों को शांति प्रदान करना, सुखी करना। लेकिन ये हिरण्यकश्यपु परम दारुणम तपस्या करने लगा। इस यशूर के तपस्या का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को दुख देना, कष्ट देना था। भगवान कपिल देव भी कहते हैं कि मात्र चार प्रकार के भक्ति होते हैं, उसमें चौथे प्रकार की जो भक्ति है वो तमोगुणी भक्ति है। और जो लोग तमोगुणी भक्ति करते हैं, तमोगुणी भक्ति करने वाले का उद्देश्य होता है दूसरों को दुखी देना, दूसरों को कष्ट देना। प्रचंड तपस्या शुरू किया, अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर करके अपनी दोनों आंखों को आकाश में टिका दिया, केवल अपने चरण के अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर यह तपस्या करने लगा। और केवल एक दो दिन के लिए तपस्या नहीं किया इसने, अंगूठे के ऊपर दोनों हाथ ऊपर करके आंखों को ऊपर करके, कुछ लोग तो महामंत्र बोलते समय भी हाथ ऊपर नहीं करते, मैं बोलता हूं तो देखता हूं हाथ नीचे ही बंधा हुआ है, मैं सोचता हूं कभी कभी किसने बांधे, हथकड़ी तो नहीं लगाया इन्हें, हथकड़ी ही लगाया है। जिनके हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं ना, वो सोच लो हथकड़ी लगा हुआ है उन्हें, माया देवी उन्हें हथकड़ी लगाई हुई है, उनके हाथ ऊपर नहीं जा सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, फिर भी कुछ का नहीं उठा, हो ही नहीं सकता, हथकड़ी लगा हुआ है, अरेस्ट है, हम गिरफ्तार किए हुए माया देवी के द्वारा। हम लोग एक बार हाथ ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन ये हिरण्यकश्यपु दोनों आंखों को आकाश में टिका दिया, दोनों हाथों को ऊपर और सिर्फ पांव के अंगूठे के बल खड़ा होकर 36,500 वर्षों तक खड़ा रह गया। शरीर जल गए, कीड़े मकोड़े उनके शरीर मांस खून को खा पी गए, केवल हड्डी बच गया। 36,500 वर्षों के बाद उस हिरण्यकश्यपु के शरीर से एक प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई और प्रचंड अग्नि दसों दिशाओं में जाने लगी और उस अग्नि से तप्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, हिरण्यकश्यपु आपके लिए तपस्या कर रहे हैं, आप उनके पास जाओ, तपस्या बंद कराओ। आचार्यगण कहते हैं ब्रह्मा जी ने देवताओं की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब देवतागण कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आप जानते हो हिरण्यकश्यपु तपस्या क्यों कर रहा है? बोले नहीं। बोले हिरण्यकश्यपु तपस्या करके ब्रह्म लोक का राजा बनना चाहता है। ब्रह्मा जी तुरंत खड़े हुए अपनी कुर्सी से, प्रेम किसे नहीं, कोई हटना नहीं चाहता अपने पद से। ब्रह्मा जी तुरंत खड़े हुए, अपने कुर्सी को छोड़ा, वाहन हंस पर सवार होकर ब्रह्मा जी मंदार पर्वत के तलहटी पर आए। पहले तो ब्रह्मा जी ने ढूंढा कि ये है कहाँ, क्योंकि शरीर गल गया था इसका, केवल आवाज आ रही थी, लेकिन उनका इतना शरीर गल गया था दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जल निकाल कर मंत्र अभिमंत्रित करके छिड़का। भागवत में आया है उस गंगा जल के स्पर्श से हिरण्यकश्यपु का शरीर वज्र के समान मजबूत हो गया, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्मा जी को दंडवत किया। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। तब
अब देखिए यसुरगण क्या मांगते हैं। आपने कल परसों देखा था कि एक भक्त क्या मांगता है, देवी कुंती क्या मांगती है और पितामह भीष्म क्या मांगते हैं। एक भक्त का मांग आपने सुना, अब एक असुर का मांग सुनिए। यदि दाशस्य अभिमतान वरान में वरद उत्तम भूते भेद वृष्टिश्य मृत्यु माम भूत मम प्रभो। हे ब्रह्मा जी, आपको मुझे वरदान देना है तो मुझे वरदान दो, मृत्यु माम भूत मम प्रभो, मेरी कभी मृत्यु ना होवे। ये है असुरों का स्वभाव, मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता क्योंकि मुझे भी एक ना एक दिन मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है। भले ब्रह्मा जी का जीवन हमसे लंबा है, कल हमने सुना कि कितना लंबा है ब्रह्मा जी का जीवन, लेकिन मृत्यु तो उनकी भी है। तो अमरता का वरदान हम कैसे दे सकते हैं ब्रह्मा जी? जो चीज अपने पास नहीं हो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? अतः ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, एक ना एक दिन मुझे भी मरना पड़ता है, अतः दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। जब ब्रह्मा जी ने कहा, कह दिया कि मैं तुम्हें अजर अमर नहीं बना सकता, तब हिरण्यकश्यपु अपनी बुद्धि चलाई। कुछ लोग अपनी बुद्धि बहुत चलाते, सोचते कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और अपनी बुद्धि भगवान के सामने भी चलाते हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसे कान नहीं पकड़ा तो हिरण्यकश्यपु ने ऐसे करके पकड़ाया। बोले ठीक है, अजर अमर का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, दिन को ना मरूं, रात को ना मरूं। हिरण्यकश्यपु को याद आया मेरे भाई को किसी पशु ने मारा था। बोले मैं किसी पशु से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, देव से ना मरूं, असुर से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, ये सब लिखवा लिया ब्रह्मा जी को और कहा ब्रह्मा जी इधर साइन कर दो, एग्रीमेंट साइन कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा धास्तु। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से सर्टिफिकेट लेकर उस पर साइन करा के हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को ठग लिया। वैसे अमर होने का वरदान नहीं दे रहे थे तो ऐसे ले लिए। अब बताइए कौन मार सकता है इसको? ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, दिन को ना मरूं, रात को ना मरूं, पशु से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, जानवर से ना मरूं, अस्त्र शस्त्र किसी से ना मरूं, कैसे मरेगा ये? ब्रह्मा को ठग लिया। आज की मनुष्य की भी खोपड़ी कुछ ऐसी ही है। एक व्यक्ति एक बार बजरंगबली के मंदिर में गया, बजरंगबली महाराज मेरा पुत्र नहीं हो रहा है, कुछ कृपा करो। ये तो खुद ब्रह्मचारी है मर, फिर भी लोग जाते हैं तो बुरेटी। बजरंगबली की कृपा से उसे पुत्र, उन्होंने शर्त रख दिया बजरंगबली के पास कि महाराज यदि मेरा पुत्र हुआ तो मैं आपको हीरे का हार चढ़ाऊंगा। ये व्यक्ति को कुछ दिन के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, इसने इस बेटे का नाम रखा हीरा। अब इसकी वाइफ कहे कि बजरंगबली की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए, अब तुम उसे हीरे का हार दो। व्यक्ति बोला ठीक है दूंगा, अभी आराम से बैठो तुम। बच्चा पढ़ने लिखने लगा, बड़ा हो गया, पत्नी समझाती दो, ये बोलता देंग दूंगा, रुको तो तुम, रुको तो। शादी भी हो गई, पत्नी बोली अब शादी होने जा रही है अब तो दे दो, बोलते दे दूंगा रुक जाओ, टेंशन क्यों ले रही हो। शादी हुई, बोले अब तो दे दो, बोले ठीक है बहुत बोल रही है, चलो बेटा। बजरंगबली को हीरे का हार देके आते, बच्चे को और उसकी बहू को लेके गए मंदिर में। इसने जो वरमाला पहनाई थी वो बजरंगबली को चढ़ा दी। बोले हीरे का हार दे रहे? बोला था वो हीरे का ही तो हार दे रहा हूं, मेरे बेटे का नाम क्या है? हीरा। किसका हार है? हीरे का। तो ये है आज के आदमी की खोपड़ी। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बुद्धि लगाई और लगभग अजर अमर बन गया ये। और फिर सर्वप्रथम शक्तिशाली होकर इस पृथ्वी पर जितने राजा थे उनको ललकारता था, मेरे साथ युद्ध करो नहीं तो अपना राजपाट मुझे सौंप दो। जब ये सृष्टि के राजा अपनी पूरी सेना को लेकर आते युद्ध करने आते, तब हिरण्यकश्यपु रुको 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 रुको, अपनी जेब से वो सर्टिफिकेट निकालता और कहा ले लो पढ़ लो इसको।
ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, दिन को ना मरूं, रात को ना मरूं, पशु से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, देव से ना मरूं, असुर से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, ब्रह्मा जी। ये सर्टिफिकेट पढ़कर महाराज अपने सैन्य समेत हिरण्यकश्यप के चरणों में सरेंडर कर देते। बोले माई बाप कौन जीत सकता है फिर आपसे, आप ही है जो है। अंत में हिरण्यकश्यप इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हो गए, सबको अधीन कर लिया, इस पृथ्वी को जीत लिया, पृथ्वी के नीचे के लोगों को जीत लिया, अंत में स्वर्ग लोक में गया और इंद्र के साथ युद्ध करके इंद्र को स्वर्ग से हटा दिया, स्वयं हिरण्यकश्यप स्वर्ग का राजा बन गया। अब ले स्वर्ग में बैठे बैठे भी ये क्या करता था, स्वर्ग का राजा बन गया लेकिन क्या करता था, स्वर्ग में बैठे बैठे भी ये शराब पीता था। स्वर्ग में देवतागण कभी भी शराब नहीं पीते, लेकिन जिसकी आदत बुरी होती है ना, वो अच्छे अच्छे स्थानों में जाकर भी बुरे काम कर लेते हैं, छूटता नहीं है। कुछ लोग तो भागवत कथा में भी बीड़ी वीड़ी पी के आते हैं, तंबाकू मुंह में चबाते बैठ के। नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत बात है ये। शास्त्र में कहा गया है भक्तों, जो लोग ऐसे अच्छे स्थान में भी व्यसन करते और बुरी आदत से मजबूर होता है, शास्त्र उसे हिरण्यकश्यप कहता है। वह असुर है, असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति। इस प्रकार हिरण्यकश्यप परम धनी होकर, परम ऐश्वर्यशाली होकर वहां स्वर्ग में बैठकर शराब पीता था। कौन सा शराब, तो बोले तिब्रेन गंदी, वो देशी शराब पीता था, वो जिसमें पूरी गंध आती थी, ऐसा गंध वाला शराब पीता था। हम लोग भी भक्तों कभी कभी भागवत कथा का ऑर्गेनाइज होता है, कीर्तन का ऑर्गेनाइज, तो कुछ लोग शराब पीकर, तंबाकू खाकर, बीड़ी पीकर जाते हैं, या फिर वहीं जाके पीते। मैं तो देखा हूं कभी कभी यज्ञ स्थल पर स्पेशल बीड़ी सिगरेट की दुकान खोली जाती है, बहुत बड़ा पाप है। आप याद रखो, यज्ञ क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। जब हम अन्य क्षेत्र में कोई पाप करते हैं ना, बाहर हमने जब कोई पाप किया, और जब हम किसी कथा में, भागवत कथा में, कीर्तन में या कभी तीर्थ में जाते हैं, तो वो क्या होता है, तीर्थ अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, जब हम अन्य क्षेत्र में पाप किया तो तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र में हो जाके क्या होता है, उसका विनाश हो जाता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपे भविष्यति। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो दो, जो तीर्थ क्षेत्र में या भागवत में या फिर कीर्तन में जाकर ऐसे कार्य करते हैं ना, वो वज्र के समान उनके पाप हो जाते, वो कभी मिटता ही नहीं। कभी कभी हम लोग यात्रा में जाते हैं, अभी मैं यात्रा में गया था मायापुर, तो कुछ माता जी लोग इतनी आदी थी चाय की कि मैंने देखा राधाष्टमी था, इतना पावन तिथि था, इतना सुंदर दिन चल रहे थे, कीर्तन चल रहा था, प्रवचन हो रहा था, लेकिन ये माता जी लोग उस प्रवचन को, उस कीर्तन को, महाराज के दर्शन को छोड़कर, भगवान के दर्शन को छोड़कर, हमारे इस्कॉन में तो चाय नहीं मिलता, बाहर गेट पे जाके 1 किलोमीटर दूर जाके चाय पी के आती थी। तो तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपे भविष्यति। यदि हम तीर्थ क्षेत्र में कोई व्यसन करते हैं ना, वो वज्र के समान हो जाता है, कभी नहीं मिटने वाला है वो, कभी भी नहीं मिटेगा। भागवत में आया हिरण्यकश्यप के विषय में, हिरण्यकश्यप जब अपनी भौएं तिरता था, अपनी आंख को तिरछी करता था, तो 33 कोटि की देवी देवता उनके चरणों में आकर गिर जाते थे। क्या करे सरकार, हमारे लिए क्या सेवा है बताइए। तो इस प्रकार नारद मुनि राशियु सभा में इस एक कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि मैं भी 24 घंटा वीणा पर नारायण का नाम लेने वाला नारद जब हिरण्यकश्यप के पास जाता था तो कहता था, हिरण्यकश्यप महाराज की,
क्यों हिरण्यकश्यप, आप क्यों हिरण्यकश्यप महाराज की जय कर रहे हैं? ऐसे नाराज ही करते थे, बोले मुझे भी बोलना पड़ता था महाराज, ये किसी को नहीं छोड़ता था। स्वर्ग के राजा इंद्र को अपने घर पे झाड़ू मरवाता था, ये कुबेर जी से पोछा लगवाता था, वो कोने पे देख गंदा है चल साफ कर, कुबेर जी बेचारे साफ करते। भागवत में आई ये सब बात। जब भगवान जब इसे मार देते हैं तो इंद्र कुबेर चंद्र आदि देवता आते, अच्छा हुआ प्रभु आपने इसे मार दिया, जीवन में कभी झाड़ू नहीं मारा था, ये अपने मन में झाड़ू मरवाता था। ये प्रचंड शासन हिरण्यकश्यपु की आतंक की कथा, बहुत लंबी है भक्तों, लेकिन केवल जान लीजिए कि साधुओं की साधना बंद करवाया, ध्यानियों की ध्यान बंद करवाया। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दे दिया कि संसार में जो लोग भक्ति करते हैं साधना करते हैं वे सब लोग कि भोजन पानी बंद कर दो, और जो लोग हमारे तरह मांसाहारी हैं जो शराब पीते हैं सबको एक एक बंगला दे दो फ्री में। उसको क्या मिलता है, सब्सिडी दे दिया उन्होंने, शराब पे सब्सिडी। और तीन टाइम का भोजन दे दिया ऐसे लोगों को फ्री। ये वृक्ष को धमकाता था, जबरन सालों भर उससे फल लेता था। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यपु तीनों लोक पर आतंक करने लगा, सभी देवताओं को देवी देवताओं को बंदी बनाकर सभी को रोज मारता था पीटता था। नारद जी एक दिन की बात कहते हुए कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु के आतंक से समस्त लोकपाल से समस्त देवी देवता दुखी हुए, और कहीं उनको शरण ना मिलने पर भगवान विष्णु की शरण में गए, भगवान विष्णु की शरण में गए, ऐसे ऐसे शरीर से नहीं गए, क्योंकि उनके राज्य में भगवान के मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, भगवान के पास जाने से रोकती, बोल नहीं जाना, जो मंदिर गया उसका सर धड़ से अलग। ये लोग अपने मन ही मन भगवान के शरण में गए, मन ही मन भगवान को याद किया। तस्ये नमस्तु काष्ठाय यात्रात्म हरिश्वर यद गत्वा न निर्वर्तन्ते शांत सन्यासिनो अमल इति न सन्यतात्मना समाहित धियो अमला। भगवान जिस दिशा में रहते हैं उस दिशा को प्रणाम करते हैं, उस दिशा को महिमा वर्णन करते होते हैं कि यद गत्वा निर्वर्तन्ते शांत सन्यासिने अमला। हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं जहां भगवान रहते हैं, और उस दिशा में कोई एक बार व्यक्ति एक बार चला जाता है तो फिर वापस इस पृथ्वी पर कभी नहीं आता, सदा सदा के लिए वैकुंठ को प्राप्त करता है। ये भगवान के धाम का स्वभाव है। इस संसार में बारंबार जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दुख भोगने वाला व्यक्ति एक बार भगवान की दिशा में चले जाता है तो फिर वापस नहीं आता। समस्त देवता अपने हाथ को जोड़कर भगवान को प्रणाम किए और निरंतर भगवान को स्तुति करने लगे। स्तुति के साथ कहते हैं ऋषिकेशम विंद्रिय वायु भोजन, स्तुति की और स्तुति के साथ और दो चीज छोड़ दी, क्या? विनिद्रा और वायु भोजन। विनिद्रा का अर्थ होता है निद्रा कम कर दी और भोजन वायु भोजन सिर्फ हवा पीकर रहने लगे, अर्थात खाना बंद कर दिया। खाना तो ऐसे ही हिरण्यकश्यपु बंद करके रखा था इनका, तो इन्होंने जो भी खाते थे उन्होंने ये भी छोड़ दिया, इन्होंने खाते। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, भगवान की वाणी मेघ के समान थी, और भगवान समस्त लोकपाल देवताओं को कहा कि देवताओं डरो मत, सर्वेशाम भद्रम अस्तुआ, आप सबका कल्याण हो, मत दर्शनाम ही भूतनाम सर्वशय उपतये, मेरा दर्शन इस संसार में रहने वाले समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है, मंगलकारी है, आप चिंता मत करो। लेकिन देवताओं ने कहा प्रभु ऐसे कैसे चिंता ना करूं, ये हिरण्यकश्यपु इतना परेशान करके रहेगा, झाड़ू मरवा रहा है, घर पे पोंछे मरवा रहा है, झूठे बर्तन धुलवा रहा है, खाना बनवा रहा है, अभी और क्या क्या करेगा पता नहीं, आप बोलते हो परेशान नहीं हो है? तो भगवान कहते हैं इस संसार में जब कोई देवेशु देवताओं को, वेदेशु वेदों को, विप्रेशु ब्राह्मणों को, साधुषु साधुओं को अपमान करता है, इन लोगों का अपमान करने वालों का नष्ट तुरंत हो जाता है, खात्मा हो जाता है। अतः वेदों का देवताओं का ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, भागवत सुनकर उसे अनुसरण नहीं करना ये भी उनका अपमान है, इसलिए भागवत सुनकर इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और कहते हैं जो व्यक्ति धर्म के साथ द्वेष करता है ऐसा व्यक्ति तुरंत नष्ट हो जाता है, अतः हिरण्यकश्यपु तुरंत नष्ट हो जाएगा। तब देवतागण कहते प्रभु आप सीधे सीधे बोलो कौन सी डेट को आ रहे हो, इतना हम लोग नहीं समझ सकते।
बहुत सुन लिया। अभी आप बताओ कब आ रहे हो आप, हम लोग बहुत परेशान हैं। तब कहते हैं भगवान, कहते हैं अपने पुत्र पवित्र शुद्ध मेरे भक्त प्रहलाद के ऊपर जब हिरण्यकश्यपु द्वेष करेगा, प्रहलाद महाराज को मारने का जब प्रयास करेगा, मैं उसे तुरंत मार दूंगा। देवताओं ने कहा प्रभु आप जानते नहीं हो, उस ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है। भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं वर उर्जितम। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप जानते नहीं हो कितना लंबा चौड़ा वरदान लिया इसने। भगवान कहते हैं वर उर्जितम, ब्रह्मा ने भले ही वरदान दिया हूं लेकिन मैं उस वरदान को भी लांग जाऊंगा, वरदान तोड़कर हिरण्यकश्यपु का मार डालूंगा। अदि मेरे भक्त प्रहलाद को उसने कष्ट दिया तो चिंता मत करो, मेरे भक्त से द्वेष करने वाला इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। तब नारद जी बहुत सुंदर भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की कथा सुनाते हैं। भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों में अपना आतंक फैला चुका था, तीनों लोगों का स्वामी बन गया था, लेकिन उस समय 5 वर्ष का उसका पुत्र ही उसे स्वामी भगवान नहीं मानता था। बोले भगवान तुम नहीं, भगवान विष्णु है। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, आह्लाद दोलाद सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं और उनको पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भेजा। सभी असुरों के पुत्र गुरु शुक्राचार्य जी पढ़ाते हैं और उनके 2 पुत्र हैं संड और अमरक। ये संड और अमरक गुरुकुल चलाते। स्लो स्लो। वहां पर प्रहलाद महाराज को पढ़ने के लिए भेजा गया है। प्रहलाद महाराज गए हैं, पुत्र 1 साल बाद घर पर आया है विद्या ग्रहण करके। माता कायाधु ने बहुत सुंदर स्नान कराया, प्रहलाद को स्नान करा के अलंकार पहनाकर अपने पिता के पास भेजा। पुत्र 1 साल बाद घर पर आया है, हिरण्यकश्यपु का प्रेम छलक गया। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया, माथे को चूमते हुए कहा, हाथ घुमाते हुए कहा, बेटा तूने 1 साल तक गुरुकुल में विद्या प्राप्त की, प्रहलाद 1 साल तक तुम गुरुकुल में पढ़े हो और 1 साल तुमने जो पढ़ी उनमें से सबसे अच्छी विद्या तुम्हें कौन सी लगी। हिरण्यकश्यपु को लगा प्रहलाद करेगा कहेगा कि मुझे दांव पेच अच्छे लगते हैं, किसी राजा के साथ युद्ध करना अच्छा लगता है, या प्रजा से कैसे कर वसूली करना ये मुझे अच्छा लगा। प्रहलाद महाराज ने सोचा कि ये मुझसे नहीं पूछे इसी में भलाई है। प्रहलाद ने कहा छोड़ो ना पिताजी, क्या करते हैं आप, चलो हम लोग घूमते थोड़ा बाग बगीचा। बोले नहीं नहीं बेटा तुम बताओ। प्रहलाद महाराज बोल रहे नहीं नहीं पिताजी नहीं नहीं छोड़ो ना, क्या करेंगे सुन के। नहीं बेटा तुम बताओ, तुमने जो 1 साल पढ़ा क्या पढ़ा, अच्छा क्या लग रहा है, ये सुनने के लिए व्याकुल और ये नहीं बताने के लिए व्याकुल। जब हिरण्यकश्यपु बार बार कहने लगा नहीं बेटा बताओ बताओ बताओ, तो कहते सुनो पिताजी, तत साधु मन्ये यशुर्वर्य दहिनाम सदा संदिग्न धीरम यसुत्क्रात हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यत हरिम आश्रयेत। क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज ने कहा, हे यशुरों के सरदार, प्रहलाद महाराज ने कभी भी अपने पिताजी को पिता नहीं कहा, यशुरों के सरदार यशुरों के सम्राट कहते थे। क्यों? क्योंकि पिता उसे कहते हैं जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगा है। भगवान से अलग करने वाली को पिता या माता नहीं कहा जाता है, वो हिरण्यकश्यपु ही है। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे असुरों के सरदार, हे असुरों के सम्राट, और हिरण्यकश्यपु को अच्छा लगता था। बोले मेरा पुत्र मुझे समझ रहा है, आखिर मैं असुरों का सम्राट ही तो हूं। वो अपमान कर रहे हैं, इसे लग रहा है मैं ब्रह्मान हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हे असुरों के सरदार, इस संसार में सभी लोग गृहस्थ रूपी अंधेरे कुएं में फंसे हुए हैं और संसार के जंजाल में फंसकर सदा उनकी बुद्धि उद्विग्न रहती है, और ऐसे दुखी जीव को पिताजी आपको चाहिए कि आप भगवान की माला लेकर वृंदावन में जाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अपना उद्धार करो। इसकी दुश्मनी कृष्ण से विष्णु से,
और ये आदि ही बोल रहा है कि पिताजी आपको चाहिए कि हाथ में जपमाला पकड़ो, वृंदावन जाओ और मां मंदिर का जाप करो। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना कि मैं तीनों लोकों का राजा और मेरा पुत्र विष्णु की भक्ति करने को करा, तुरंत क्रोधित हो गया, बिल्कुल लाल पीले हो गए। तुरंत सोचा, अच्छा ये 5 साल का बालक है, इसे क्या पता, कुछ भी बोल सकता है। इनके गुरुओं को बुला, संड और अमर को बुलाया गया, पूछा कि ये तुम्हारा शिष्य क्या बोल रहा है, मैंने इससे पूछा कि 1 साल में तुमने क्या पढ़ा, उसमें सबसे अच्छी विद्या तुम्हें क्या लगी, तो ये बोल रहा है कि विष्णु का नाम लो, कृष्ण का महामंत्र जपो, क्या यही सिखाने के लिए मैं तुम्हारे पास पैसे देता हूं। संड और अमर कहते, सरकार हमने ये आपके पुत्र को नहीं सिखाया, पता नहीं कहां से सीख के आए। बोले देखो, वो इस्कॉन वाले हरे कृष्ण वाले बहुत घूम रहे आजकल देवघर में, उन्होंने ही सिखाया होगा हैं? और आजकल तो गांव गांव में भी जा रहे हैं, छोटे छोटे सर सब जगह केंद्रित कर रहे हैं अपने आप को, कोई पढ़ा दिया होगा, ध्यान रखो गुरुकुल में कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश ना करे, खास करके इस्कॉन वाले, हिरण्यकश्यपु क्षमा कीजिए, इस्कॉन वाले हरे कृष्ण वाले कभी प्रवेश ना करे, ऐसा ध्यान रखना। वो प्रवेश कर गए तो कृष्ण की भक्ति तुम्हारे जिंदगी में दे देंगे, वो प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसे तिलक लगाए, कंठी पहने, ऐसे लोगों को भूल कर भी मत घुसने देना घर में, ये तो बहुत तकलीफ है भाई। क्या तकलीफ है, तो कृष्ण की भक्ति दे देगा तुम्हें, फिर मेरी भक्ति छोड़ना पड़ेगा। फिर प्रहलाद महाराज संड और अमर्क जो भी भौतिक विद्या सिखाते गुरुकुल में गए, जो भी भौतिक विद्या संड और अमर्क उन्हें सिखाते, इतिहास भूगोल विज्ञान सब सीखते और साथ ही साथ भगवान का नाम भी लिया करते। 1 साल के बाद बेटा प्रहलाद फिर से महाराज पास के आया। हिरण्यकश्यपु बोले, बेटा तुम अब 2-2 साल गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की हो, 2 साल तुम गुरुकुल में पढ़े हो, 2 साल पढ़ने में तुम्हें सबसे अच्छी विद्या क्या लगी। फिर से प्रहलाद महाराज ने कहा, पूछेंगे नहीं पूछेंगे तो वही अच्छा है, पिताजी छोड़ो ना, आप क्यों पूछ रहे हो, नहीं बेटा बताओ 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 तुम्हें सबसे अच्छी क्या लगी। बोलते, सुनिए पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी नवधा भक्ति के द्वारा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदम, ये नवधा भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है पिताजी। और पिताजी मैं तो करता हूं, आप भी करो कल से। अब तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को गोद से उतार से संड और अमर को बोले, ये क्या बोल रहा है। ये दोनों गुरुजी कांपते हुए आ, हिरण्यकश्यपु बोले, ये क्या बोल रहा है, विष्णु की भक्ति करना, नवदा भक्ति करना, क्या तुम लोग यही सिखा रहे हो उसे। बोले, हमने नहीं सिखाया महाराज। बोले, बाहर से कोई आया होगा, देखो न प्रणीतम न परप्रणीतम, न मत प्रणीतम न परप्रणीतम, ना ही हमने सिखाया महाराज, ना ही बाहर से कोई आया, तो ये विष्णु का नाम क्यों ले रहा है। सरकार ना जाने अपनी मां से, मां के गर्भ से ही सीख के आया हो। ने सर्गिक्रियम मतिरश्य राजन, हे राजन आपके पुत्र का ये स्वाभाविक जन्मजात विष्णु में रहती है, पर तो इसका कुछ कारण था, जानते हैं। एक बार प्रहलाद महाराज के सहपाठी बालकों ने प्रहलाद से पूछ लिया कि क्योंकि कभी कभी प्रहलाद स्कूल में भी प्रवचन शुरू कर दिया करते थे, प्रहलाद ये ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, तू तो 2400 घंटा हमारे साथ गुरुकुल में रहता है और तेरे घर में भी कोई साधु संत नहीं आते, यदि आ भी गया तो तेरे बाप उसको जिंदा नहीं छोड़ते, फिर तुझे ये ज्ञान कैसे मिला, न यहाँ हमें हमारे गुरु सिखाते, ना तुम्हारे घर पे कोई साधु आता है, ये ज्ञान तुम्हें उत्पन्न कहाँ से हुआ। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ एक संत की कृपा से। तो बात ये थी कि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया था ना, तब देवराज इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया और उनकी पत्नी कयादु गर्भवती है। इंद्र ने सोचा असुर है, सोचा एक असुर है तो इतना आतंक फैला रहा है और दूसरा असुर जन्म लेने वाला है, कितना आतंक फैलाएगा। तो इंद्र कयादु का अपहरण करके स्वर्ग में ले जाकर रखना चाहता था कि जब इसके पुत्र का जन्म होगा तो मैं मार दूंगा। इसका अपहरण करके लेके जा ले ही जा रहे थे, रास्ते में नारद मुनि मिले। बोले, कहां लेके जा रहे हो इंद्र।
बोले महाराज इसके गर्भ में एक असुर पल रहा है, हिरण्यकश्यपु का संतान पल रहा है। तब नारद जी ने कहा, इंद्र इस कयादु के गर्भ में असुर नहीं, कयादु के गर्भ में भगवान विष्णु का परम भक्त, भगवान भक्त राज प्रहलाद महाराज पल रहे हैं, विष्णु का भक्त इसके गर्भ में। ये सुनते ही इंद्र अपने तलवार को छोड़ दिया और देवी कयादु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके देवी कयादु की तीन परिक्रमा करके चला गया। उस समय हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु नारद जी का दर्शन करके पवित्र हो चुकी थी। नारद जी से दो वरदान मांगे, प्रभु आप मुझे दो वरदान दीजिए, एक जब तक मेरे पति तपस्या करके वापस नहीं आए तब तक मेरा प्रसव ना हो, मैं मेरे पुत्र को अपने गर्भ में तब तक रख सकूं जब तक मेरे पति नहीं आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और दूसरा जब तक मेरे पति घर पर वापस नहीं आते तब तक आप मुझे भागवत कथा सुनाइए। प्रहलाद महाराज अपने साठियों बाल को बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान अपने मां के गर्भ से ही सीख के आए। जब मेरी मां नारद मुनि के पास बैठकर भागवत कथा सुन रही होती थी तब मैं पेट में बैठा बैठा भागवत कथा का ज्ञान ग्रहण करता होता, ये मैं गर्व से सीख के आया। आज के संसार के गर्भवती नारियों के लिए एक अद्भुत उपदेश भक्त, जब कोई नारी गर्भवती हो तब उसे भागवत गीता रामायण भागवत पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो संस्कार बालक को गर्भ में मिलते हैं वो बाहर आके कभी नहीं मिल सकता। जो संस्कार एक मां अपनी पुत्र को, अपनी बेटी को अपने गर्भ में दे सकती है वो बाहर आने के बाद दे सकती। परंतु आज गर्भवती होते ही डॉक्टर बोलते बेड रेस्ट करना है, मायके चली जाती है और वहां जाकर टीवी देखती है, रिमोट कंट्रोल हाथ में, पांव टीवी के साइड, पलंग पे लेट के टीवी। टीवी में दो प्रकार के फिल्म आते, एक लव स्टोरी और एक फाइटिंग स्टोरी। तो गर्भवती स्थिति में महिला जो देखती है बेटा वही होता है। लव स्टोरी देखा है तो हीरो हीरोइन लेके भाग रहा है, बेटा बड़ा हुआ तो किसी लड़की को लेके भाग गया। फाइटिंग वाला देखा तो बेटा कोर्ट में जाता है, थाने में जाता है लड़ाई करके, लड़का बड़ा होकर किसी से झगड़ा करके घर पर आता है, चोरी करता है, फिर कहते हैं कि मेरे बच्चा क्यों बिगड़ गया, क्योंकि तुमने उसे गर्भ में वही संस्कार दिया। जब तुम गर्भवती थी तब टीवी देखा करती थी, गलत संस्कार दिए हैं। कहते हम तो गलत संस्कार नहीं दिया, अरे वो गलत संस्कार लेकर पैदा हुआ है। आज आप टीवी खोलिए बस शुरू हो गया वही गंदी फिल्म, वही गंदी स्टोरी शुरू हो गया, और हम वही देखते हैं तो फिर हमारा जीवन वैसा ही हो सकता। अतः प्रत्येक गर्भवती नारी को चाहिए कि जब वह गर्भवती हो तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, भागवत सत्संग करना चाहिए। तो इस प्रकार शंड और अमरक कहते हैं, महाराज ये गर्भ में सीख कर आया है, महाराज ये गर्भ में सीख कर आया, जन्मजात से ही विष्णु के प्रति इसका प्रेम है, बाहर से किसी ने इसे नहीं सिखाया। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद तू ये कह रहा है कि संसार में विष्णु की भक्ति करना ही सबसे बड़ी चीज है? बोले हाँ पिताजी, और आप भी करो, नहीं तो आप भी एक ना एक दिन मरोगे। बिल्कुल अभय होकर, 5 साल का बालक है, पूरी दुनिया हिरण्यकश्यपु से कांपती है, लेकिन ये निर्भय होकर उपदेश दे रहा है, पिताजी आप भी भगवान विष्णु की भक्ति करो, नहीं तो आपका बहुत बुरा होगा, मैं बोल देता हूँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये दूसरे को प्रॉब्लम करता था, इसका बेटा खुद इसके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद तू कहता है विष्णु की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, यदि विष्णु की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ होती तो संसार के सब लोग विष्णु की भक्ति करना चाहिए, सब लोग विष्णु की भक्ति क्यों नहीं करते? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी संसार में सब लोग विष्णु की भक्ति नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि मति न कृष्णे परत सोतवा मिथ अभिपद्यते गृहवर्तानाम आदांत गोभी विस्तम तम स्त्री पुनः पुनः चर्वित चर्वणाम मति न कृष्ण। संसार के लोग मति बुद्धि कृष्ण में इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि
संसार के लोग एक व्रत लेकर बैठे। बोले कौन सा व्रत? तो गृह व्रत। बोले कुछ लोग इतने आसक्त हैं, इतने आसक्त हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कभी सत्संग में नहीं जाएंगे, कभी मंदिर में नहीं जाएंगे, जिएंगे मरेंगे मात्र घर पर, इसे कहते गृह व्रत। बोले घर पर ही हम चले जाएंगे तो हमारा बिजनेस कौन संभालेगा, और यदि तुम चले गए तो तुम्हारा बिजनेस कौन संभालेगा? हमें अपना परलोक सुधारना चाहिए भक्त। छुट्टी के दिनों में भी घर पे पड़े रहेंगे, क्योंकि अदांत गोभी गो मने इंद्रियां, संसार के लोगों के जो इंद्रियां जो है वह बस में नहीं है, अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए रात दिन मेहनत में लगे ऐसे लोग, रात दिन जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह से लेकर शाम तक संसार के लोग मेहनत करते, क्यों? सुख भोगने के लिए, आनंद पाने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं सच्चा आनंद वो नहीं, सच्चा आनंद तो नंदलाल है। इसलिए तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो। कल हम लोग कीर्तन करेंगे, रात दिन मेहनत करते हैं, क्यों? सुख के लिए। परंतु इस संसार में सुख नाम की वस्तु नहीं है भक्तों, याद रखिए। हम जिसे रात दिन मेहनत करके, हम जिसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं वे चीज यहां नहीं है, वे तो भगवान के धाम में है, लेकिन शास्त्र के ज्ञान का अभाव होने के कारण लोग इस जगत में लोगों को सुख ढूंढना चाहते हैं। गोस्वामी जी तो यहां तक लिख दिया कि यह हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम बालू को पेरने से तेल निकल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम बालू को पेरे और तेल निकल जाए, परंतु ऐसा संभव है कि बालू को पेरने से तेल निकल जाए, ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये हो भी सकता है। एक दिन यदि हो भी जाए बोले ये कभी नहीं हो सकता है कि बर्फ को रगड़ने से आग निकल जाए, लेकिन यदि ये हो भी जाए, ये हो जाए, कछुए के पीठ पर भी बाल आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता कि कछुए की पीठ पर बाल आ जाए, लेकिन यदि ये भी हो जाए, बोले बालू को पेरने से तेल निकल जाए, बर्फ को रगड़ने से आग निकल जाए, या कछुए की पीठ पर बाल आ जाए, लेकिन भौतिक जगत में सुख कभी नहीं मिल सकता। ये जो जगत है ना हमारा, ये बिल्डिंग, ये गाड़ी, यहां सुख नहीं मिल सकता। आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए, क्या हम सुखी हैं, खुश हैं? हमारे पास बहुत पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन हम खुश हैं, सुखी हैं? सुख नहीं है, सुख कहां है? भौतिक जगत में सुख मिल जाए ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। भक्तों इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं हम दुख को ही सुख मान बैठे हैं, कैसे? पुनः पुनः चर्बित चरवणाम। बोले इस भौतिक जगत में सुख ढूंढना कैसे है? बोले चबाए हुए को चबाए, जैसे चबाए हुए गन्ना होता है ना, चबाए हुए गन्ना, मतलब जो आप जूस निकालने वाली जो मशीन होती है उसमें गन्ने को डालकर फिर गन्ने निकाल लेने के बाद, जूस निकाल लेने के बाद जो गन्ना बच जाता है सूखा हुआ, क्या बोलते हैं उसको? सूखा हुआ गन्ना, जिससे रस निकल गई हो, एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार उससे रस निकलने के बाद जो निकला हुआ रस, निकला हुआ गन्ना होता है ना, उसमें यदि उसे कोई चबाल कर रस निकालना चाहे तो रस निकलेगा उस सूखे हुए गन्ने से? चबाए हुए गन्ने से कोई रस निकालना चाहे तो वह रस नहीं निकलेगा, बस वह केवल चबाते रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस जगत में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी चबा रहे, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद जैसे चबाए हुए गन्ने को हजारों बार चबाने से रस नहीं निकलेगा, ठीक उसी प्रकार इस जगत में हजारों उपाय करने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा। हम दुख को ही सुख मान बैठे। रेगिस्तान में ऊंट होता है ना, तो ये ऊंट जो होते हैं
वो क्या करते हैं, ये जो ऊंट होते हैं वो क्या करते हैं, रेगिस्तान में कटीली बहुत सारी झाड़ियां होती है, तो ये ऊंट क्या करता है, उन कटीली झाड़ियों को चबाता है। उन झाड़ियों में कोई रस नहीं होता है, कोई भी रस नहीं होता है, लेकिन ये ऊंट क्या करता है मालूम है, ये जब उस कटीली झाड़ियों को चबाता है तो इसके मुख से के साइड से आजू बाजू से खून निकलता है और ये खून इसके जीभ में जाता है और ये उसको ही स्वाद लेकर कहता है आह कितना स्वाद है, कितना रस है इस झाड़ी में। ये हम अनुभव कर रहे हैं भक्त, यही हमारे जीवन, ये हम खुद अपने लिए दुख उत्पन्न कर रहे हैं। इस जगत में हजार उपाय करने के बाद भी हमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान ने कह दिया ये जो जगत है सो दुखालय है, दुख देने के लिए ही मैंने इस जगत का निर्माण किया है। इस जगत का निर्माण भगवान ने इसलिए किया है ताकि यहां आदमी को दुख मिल सके। अब कोई ऐसी लगा के बताइए कैसे कमरे में सुखी हो सकता है, नहीं हो सकता है। सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दिन रात मां मेहनत गधे की तरह मेहनत करता है, सवेरे 5 बजे घर से निकला, रात को 10 बजे घर पहुंचा, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता है, दुखी ही रहता है, इसलिए उसका मन भगवान में नहीं लगा है। संसार में लोग अपना वास्तविक स्वार्थ नहीं जानते। प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे लोग अपने वास्तविकता को नहीं जानते। हमारी वास्तविकता क्या है, हम कौन है, स्व का अर्थ होता है हम लोग, लेकिन हम कौन है, हम एक शरीर नहीं, हम आत्मा है, और इस आत्मा का कल्याण भगवान की भक्ति में है, भगवान की सेवा में है। हमारी वास्तविकता, हमारा निजी स्वार्थ भगवान की सेवा में, लेकिन आदमी क्या करता है, जो रियलिटी है, जो ओरिजिनल चीज है, जैसे ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ किसका पार्ट है, हमारे इस बॉडी का पार्ट है, हमारे शरीर का एक अंग है, वैसे ही हम आत्मा है और हम क्या है, हम परमात्मा के अंग हैं। तो हम इस हाथ का किस चीज के लिए यूज करते हैं, अपने शरीर की सेवा के लिए, इसे नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इस हाथ का जैसे हम अपने शरीर की सेवा के लिए यूज करते हैं, वैसे ही इस आत्मा का यूज सिर्फ और सिर्फ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए, और इस आत्मा का कोई यूज नहीं, इसका एकमात्र यूज भगवान की सेवा करना है। लेकिन आदमी भगवान की सेवा कर छोड़कर आदमी आजकल सब कुछ करेगा, बच्चे की सेवा करेगा, पत्नी की, पति की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, पर भगवान की सेवा नहीं करेगा, जिनकी सेवा से कुछ हो सकता है। अरे जो खुद सुखी नहीं है उनकी सेवा करके हमें सुख कैसे मिल सकता है, जो खुद अपूर्ण है उनकी सेवा करके हमें सुख कैसे मिल सकता है। यदि हमें सुखी है, सुखी होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पूर्ण है उनकी सेवा करना पड़ेगा। और पूर्ण कौन है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात्म पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कौन है, भगवान श्री कृष्ण, जो परमात्मा है, और उस कृष्ण की हम कौन है, सेवक हैं, उस परमात्मा के हम पाठ हैं, आत्मा है, अंग है, हमारा मुख्य कार्य है भगवान की सेवा, लेकिन हम वो नहीं करके बाद बाकी सबकी सेवा कर रहे हैं। हम उसकी उससे सुखी होना चाहते हैं जो खुद सुखी नहीं है। हर एक में आसक्ति भरा हुआ है, पति पत्नी में आसक्त कि मैं पति के पास जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, बेटा बाप के पास जाऊंगा तो सुखी हो जाएगा, बाप बेटा के पास जाऊंगा तो सुखी हो जाएगी, लेकिन सुख है नहीं, क्योंकि ये खुद अपूर्ण है तो सुखी कहां करेंगे। अरे सुखी होना है तो उसकी सेवा करना होगा जो खुद
पूर्ण है, जिसका शरीर ही आनंद से बना है, ऐसे कृष्ण और राम की सेवा करने से हम सुखी हो सकते हैं। कुछ लोग आराम चाहते हैं, कुछ लोग क्या चाहते हैं, आराम चाहते हैं, लेकिन जब तक राम की सेवा नहीं करेंगे तब तक आराम नहीं मिलेगा। कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा जीवन में। इस प्रकार अपनी वास्तविकता को जानना होगा। अतः पिताजी, संसार के लोग, और पिताजी मैं देख रहा हूं ना, आप भी बहुत आसक्त हो अपने राज्य में, ये राज्य को छोड़ो और वन में जाकर तपस्या करो। पिताजी मैं कहता हूं आप भी विष्णु की भक्ति कीजिए। हिरण्यकश्यप बिल्कुल क्रोधित हो गया, बोले इसे मेरे नजरों से दूर लेकर जाओ। दैत्य चंदनम वने, कहते क्या कि हम असुरों का जो समाज है एक चंदन के समान है, चंदन वन के समान है, और ये बबूल का वृक्ष भी उग गया है। प्रहलाद महाराज को बबूल का वृक्ष कह रहे, गुलाब के खेत में धतुरा उग गया है, ये इसे काट डालो। हिरण्यकश्यप ने एक नीति बताई कि शरीर का कोई अंग सड़ जाए, यदि और आपको जिंदा रहना है तो उस अंग को काट डालो। ये दैत्य के चंदन रूपी वन में बबूल उग गया है, इसे काट डालो, मार डालो। दिग्गजे दंदशूक इंद्रिय विचार और पातने माया भी शनिराधे च गरदाने भोजने। प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया गया। विष्णु पुराण में वर्णन है, सर्वप्रथम प्रहलाद को हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया, बड़े बड़े दिग्गज हाथियों को मंगाए गए, प्रहलाद को छोड़ा गया, हाथियों को छोड़ा, लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद महाराज के पास पहुंचे, मानो 400 की स्पीड से गाड़ी चल रही हो और एकाएक ब्रेक लग जाए, वैसे हाथी अचानक खड़े हो जाते थे। बड़े बड़े हाथियों का प्रहार से प्रहलाद महाराज की मृत्यु नहीं हुई, फिर प्रहलाद महाराज खड़े रहे। तब जाकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस दुष्ट प्रहलाद को विषैले सर्प से भरे हुए कमरे में बंद कर दो। एक कमरा था, उस कमरे में अनेक विषैले सर्प थे, और उस कमरे में प्रहलाद को बंद कर दिया गया, और वह सर्प प्रहलाद को डसने लगे, डंक मारने लगे, लेकिन विष्णु पुराण में वर्णन है भक्तों, वे सारे सर्प हिरण्यकश्यप के पास जाते और कहते, हे प्रभु, हे सरकार, आपके पुत्र को डंक मारते मारते हमारे दांत टूट गए, लेकिन हमारे मनी निकल गए, हमारा सारा विष खत्म हो गया, लेकिन आपका पुत्र का बाल भी बांका ना हुआ। अरे जिस भगवान जिसके भक्त के भगवान उस शेष नाग के ऊपर सोते हैं, है? उसके भक्त को एक सर्प के डंश से कुछ हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। बोले अद्भुत पुत्र है महाराज आपका, इतने डंक मारे हमने कुछ नहीं हुआ, हमारी मनी गिर गई, देखो हमारे दांत टूट गए, देखो खून निकल रहा है, लेकिन आपके पुत्र देखिए खड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए उसमें संड और समर्क को बुलाया, और उसे समय संड ने और अमरक ने अपनी जटा को उखाड़कर पटका और एक कृत्या को उत्पन्न किया, और उस समय कृत्या अपने हाथ में त्रिशूल लेकर प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ी। जैसे ही वो त्रिशूल प्रहलाद के छाती में लगा, उस त्रिशूल के हजार टुकड़े हो गए, सहस्त्र। तब उस समय कृत्या ने सोचा, मेरा त्रिशूल ऐसे ही समाप्त हो गया, बोले ये प्रहलाद महात्मा है, बोले मुझे आदेश देने वाले ही दुरात्मा दुराचारी, जिसने उस कृत्या को उत्पन्न किया था, उस समंड और संड और अमर को ही मार डाला, उसने मर गए। लेकिन भक्तों भागवत में वर्णन है कि भक्तों का स्वभाव अद्भुत होते हैं, भक्त बड़े दयालु होते हैं, भक्त के हृदय में दया और करुणा भरी होती है। मर गए, लेकिन भागवत में वर्णन है प्रहलाद के दोनों गुरु उनके सामने मर चुके हैं। आज का कोई बालक होता तो अच्छा हुआ मर गया, बहुत टास्क होमवर्क देता है घर बनाने के लिए, बहुत परेशान करता है घर पे, मम्मी को भी परेशान होना पड़ता है, मुझे भी परेशान होना पड़ता है, नानी घर भी नहीं जा सकता, अच्छा हुआ मर गया ये। लेकिन प्रहलाद महाराज के हृदय में दुख हुआ। यहाँ पे दोनों गुरु ने प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया था, लेकिन भक्त का स्वभाव तो देखिए, अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से
प्रभु से विनंती की कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी सच्ची भक्ति की है तो मेरे दोनों गुरुओं को जीवित कर दीजिए, मेरी सारी भक्ति का फल मैं अपने दोनों गुरु को अर्पण करता हूं, आप इसको जीवित कर दीजिए। ये है साधु का स्वभाव। देखिए, मारने वालों के ऊपर भी प्रहलाद महाराज कितने कृपालु हैं। वचन मन काया संत स्वभाव सहज खगराया। दूसरों के ऊपर उपकार करना, यही तो साधु का स्वभाव है। भक्ति और प्रार्थना से दोनों जीवित हो गए, लेकिन दोनों को ज्ञान हो गया कि प्रहलाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं। हिरण्यकश्यपु को पता चलते ही अपने अनुचरों को आदेश दिया, जाओ इस प्रहलाद को पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाकर वहां से फेंक दो। प्रहलाद को पर्वत की ऊंचाई पर ले जाया गया और पर्वत की ऊंचाई से प्रहलाद को जैसे ही फेंका, यदि साधारण व्यक्ति होता तो हवा में ही मर गया होता, लेकिन हृदय में भगवान की भक्ति होने के कारण उस पर्वत से गिरने पर भी प्रहलाद महाराज बच गए। भगवान कभी भी अपने भक्त को गिरने नहीं देते हैं। भगवान गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं किसी भी कंडीशन में भी, कोई भी कंडीशन हो, किसी भी स्थिति में मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। ये भगवान की कृपा है। नमे भक्त अपनश्यति, कभी नहीं। प्रहलाद महाराज बच गए। इधर हिरण्यकश्यपु को था कि अब तो प्रहलाद मर गया होगा, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कौन बचता है, बचने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन 3 दिन के बाद महाराज प्रहलाद घर पर आए, घर का डोरबेल बजाया, ट्रिंग ट्रिंग, पिताजी मैं आ गया। पिताजी क्रोधित बोले, इसे इतने मारने का प्रयास कर रहा हूं फिर भी नहीं मर रहा है। तब हिरण्यकश्यपु के भोजन में जहर डलवाया और प्रहलाद महाराज को खिलाने का प्रयास किया। प्रहलाद महाराज जानते थे भोजन में जहर है, जैसे मीराबाई को जहर दिया गया था, परंतु कृष्ण का नाम लेकर मीराबाई ने वो जहर पिया और जहर अमृत पी गया। प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु का नाम लेकर जहर युक्त भोजन ग्रहण किया, जहर अमृत के समान हो गया, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तत्पश्चात पुराणों में वर्णन है, होलिका आई, हिरण्यकश्यपु की बहन बोले, मुझे ऋषि मुनियों का वरदान है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती, आप एक काम करो, एक चिता बनवाओ, मेरे गोद में प्रहलाद को बिठा दो, अग्नि प्रहलाद को जला देगी और मैं बच जाऊंगी। वैसे ही किया, जैसे ही चिता जली, आग जल लगी, ऋषि मुनियों का वरदान फेल हो गया और वो होलिका जल गई और प्रहलाद विजय हो गए। भक्तों, रामायण में लिखा है, जो भक्तों का अपमान करता है अपराध करता है, जो वैष्णवों का अपमान करता है उसके लिए अमृत भी जहर हो जाता है। मित्र जो होते हैं उसके शत्रु बन जाते हैं, माता उनके लिए मृत्यु बन जाती है और पिता उनके लिए अमराज बन जाते हैं। अतः कभी भी किसी वैष्णव का, भक्त का द्वेष नहीं करना चाहिए, भक्तों का मारने का प्रयास नहीं करना। तत्पश्चात प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अनुचरों को बार बार कहा, बार बार मारने पर भी ये मर नहीं, क्यों नहीं रहा है, एक काम करो, इस प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद को बीच महासागर में ले जाओ, महासागर के बीच में इसके साथ बड़ा पत्थर बांध कर फेंक दो, डूब जाएगा, और उसके ऊपर अनेक पहाड़ पत्थर डाल दो। प्रहलाद को महासागर ले जाया गया, पत्थर डालकर फेंक दिया गया, अनेक पत्थर उसके ऊपर गाड़ दिए गए और इस बार महाराज प्रहलाद फंस गए। लेकिन उस समुद्र में, महासागर बीच, अनेक पर्वतों के नीचे महाराज प्रहलाद दबे हैं, लेकिन उस अवस्था में भी प्रहलाद महाराज के मुख से भगवान का नाम नहीं दबा, निरंतर भगवान का नाम लेते रहे। और उसी समय महाराज ने, जैसे महाराज प्रहलाद ने जैसे ही भगवान को याद किया, साक्षात विष्णु प्रहलाद के अंदर प्रकट हुए, सारी शक्ति प्रहलाद के अंदर निहित हो गई। प्रहलाद महाराज दबे हुए थे, जैसे ही खड़े हुए सारे पहाड़ पत्थर फूट गए। पहाड़ पत्थर के बीच में से महासागर को लांग कर प्रहलाद महाराज किनारे पर आ गए, बच गए प्रहलाद महाराज। जैसे ही धुन घर पर आए, हिरण्यकश्यपु अपने मस्तक पर हाथ रख लिया, बोले, मैं इतना बड़ा राजा सबको मार दिया, ये 5 साल का बालक मुझे भारी पड़ रहा है। तब संड और अमर कहते, महाराज आप चिंतित मत होइए,
सारी दुनिया आपको भगवान कहते हैं। जब तक हमारे पिता अपने गुरु कुल में वापस नहीं आ जाते, तब तक हम प्रहलाद को गुरुकुल लेके जाते हैं, और शुक्राचार्य जब आ जाएंगे तब कोई उपाय बताएंगे। बोले हाँ, इसे मेरी नजर से हटाओ। संड और अमर प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में लेकर गए, फिर से गुरुकुल में भौतिक विद्या सिखाए, लेकिन उन्हें इन सब चीजों में रुचि नहीं लगता है भक्तों। क्यों क्यों नहीं रुचि लगता, इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रहलाद महाराज ज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ स्तर है उस स्तर को जानते थे। अभी कोई बच्चा जो बोर्ड एग्जाम को दे रहा है, अभी हम उसे बोलेंगे कि आप नर्सरी में पढ़ाई करो, तो उसे कितना मन लगेगा नर्सरी में पढ़ना, मन लगेगा? तो उसी प्रकार ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग जो है, प्रहलाद महाराज को ये नर्सरी जैसी लगती थी। अरे उनके पास तो चारों वेदों का ज्ञान था उन्हें। एक बार संड और अमर अपना गृह कार्य करने के लिए कहीं बाहर गए। गुरुकुल जी में जितने भी बच्चे थे सबसे कह दिया कि इस दौरान आप खेलो कूदो मौज मस्ती करो, जो करना है करो, मैं बाहर जाकर आता हूं। संड और अमर जब चले गए तब यहां पर सभी बालक अपने अपने धुन में खेलने लगे। प्रहलाद महाराज कभी भी खेलते नहीं थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो प्रहलाद महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठकर अपनी सभा में सहपाठी मित्रों को बुलाने लगे। हे मेरे मित्रों, यहां आओ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सब लोग प्रहलाद महाराज का आदर करते थे, सभी लोग नीचे बैठे और प्रहलाद महाराज पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे के ऊपर बैठकर कहते, हे मेरे मित्रों, कुमार आचरे प्राज्ञ धर्मान भगवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तत्पि अधुर्वम अर्थदम। कहते, हे मेरे मित्रों, हमें जो ये कुमार अवस्था प्राप्त हुई है, हमारी जो बाल्य अवस्था है, हम लोग जो ये बच्चे हैं, तो ये बचपन का समय यूं ही व्यर्थ खेलने कूदने में नहीं गंवाना चाहिए। बोले तो प्रहलाद, ये बचपन का समय क्या चीज में गंवाना चाहिए? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये बचपन का समय ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण की भक्ति करने में बिताना चाहिए। प्रहलाद महाराज तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्मम। हे मेरे मित्रों, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख की योनि काटने के बाद जल जा नव लक्षानी अस्थावार लक्ष विषन्नति। 9 लाख प्रकार के जन्म जल में होते हैं, 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे, क्रिंडियो रुद्रो शंख के 11 लाख प्रकार के नदी लानी में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पक्षीनाम 10 लक्षानाम 10 लाख प्रकार के पक्षी बनते हैं, 30 लक्षानी पशु 30 लाख प्रकार के 4 पांव में चलने वाले जीव जंतु बनते हैं, एवं 4 लाख प्रकार के वानर बनने के बाद एक बार मनुष्य बनने का अवसर प्राप्त होता है। हजारों हजार जन्म, करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद हमें यह मनुष्य का देह प्राप्त होता है। विचार करो, ये मनुष्य जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना दुर्लभ है। ये इतने इतने समय के बाद हमें यह मनुष्य देह मिलता भी है तो अध्रुवम। ऐसा नहीं है कि 100 साल तक रहेगा, ये कभी भी मर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी रोग, कोई भी सड़क दुर्घटना। ये मनुष्य जीवन कैसा है तो कहते, जैसे कमल, आपने कमल का पत्ता देखा है, जैसे कमल के पत्ते पर हमारे गौड़ीय वैष्णव गोविंदास जी लिखते हैं, ये मनुष्य जीवन कैसा है तो कहते, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी हो, एक बूंद जल हो, और जब हवा आती है तो वो बूंद जो है इधर से उधर हिलती है, जब पत्ता हिलता है तो ये गिरे ये गिरे ये गिरे गिरे वो बूंद करता है, तो वैसा ही ये मनुष्य का जीवन। ये मनुष्य कैसा है कि अब गए अब गए अब गए अब गए, ऐसा ही ये मनुष्य जीवन है। कब काल आए इसका कोई भरोसा, राह देखनी नहीं पड़ती, कभी भी आ जाता है। अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं
बड़े होंगे, जब हम बड़े होंगे बूढ़े होंगे तब ये कथा मतलब जब हम बड़े होंगे बूढ़े होंगे तब हम भक्ति करेंगे, तब हम भक्ति करेंगे जब हमारी एज आगे हो जाएगी। अब आप बताइए मुझे, जब बूढ़े होंगे तब भक्ति करेंगे, और जब बूढ़े हो जाए तब पूछो भक्ति चल रही है कहां यार? अभी तो मैं बैठ भी नहीं पाता अच्छे से, भक्ति कहां से करूं? बोल भी नहीं पा रहा हूं तो मां मंत्र का उच्चारण कैसे करूं? सत्संग में कहां से जाऊं? मैं चल भी नहीं पाता, ये स्थिति बनी हुई है। एक स्थान पर ठीक से दो घंटा बैठ नहीं सकते, वो क्या कथा सुनेंगे बताइए आप मुझे? राजा दशरथ ने एक बहुत सुंदर निर्णय लिया भक्त कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। बहुत सुंदर विचार आया, इससे सुंदर और क्या हो सकता है? लेकिन विचार तो बहुत सुंदर आया, लेकिन कल मैं राम को राजा बनाऊंगा, आज नहीं। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि महाराज राम को राजा बना रहे, अभी तुरंत बना दीजिए, दिन नक्षत्र मत देखिए, क्योंकि जब राजा राम राजा बनेंगे वही दिन वही घड़ी वही नक्षत्र शुभ हो जाएगा। बोले नहीं महाराज कल बनाएंगे, और बोले बस सवेरे की तो बात है, कल सवेरे होने वाला है, एक रात की तो बात है, और एक रात ने पूरी खेल बदल दी भक्त। एक रात ने 14 वर्षों तक भगवान को वन में भटकाया, एक रात ने राजा दशरथ के प्राण को ले लिया, एक रात ने तीनों रानियों के सिंदूर को मिटा दिया, एक रात ने 14 वर्षों तक अयोध्या में वसंत को आने नहीं दिया, एक रात ने 14 वर्षों तक अयोध्या में सूर्य को उदित नहीं होने दिया, एक रात ने 14 वर्षों तक समस्त अयोध्या वासियों को मात्र और मात्र फलाहार कराया, बस एक रात में। इसलिए विच्छे विचार आए तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए, बिना समय गंवाए। वास्तव में जीवन जा रहा है और जीवन का कोई वरिष्ठ नहीं। भजन भक्ति जो है वो आज और अभी कर लेनी चाहिए, मृत्यु का इंतजार नहीं कहे। कृष्ण तव दीय पद पंकज पंजरांतम अदेव में विशंतु मानस राजहंसा। राजा कुलशेखर अलवार भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, हे प्रभु, मेरा मन रूपी हंस कब आपके चरण कमलों में लग जाए? क्यों क्यों? क्योंकि जब प्राण का प्रयाण होगा, मृत्यु का जब समय होगा, तब कंठ गला कपीत और वायु से भर जाएगा, मरता हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता। इसलिए एक व्रज के संत ने बहुत सुंदर कहा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने के लिए न के लिए। जीवन क्षण भंगुर है, आज रात सो गए कल सुबह जगेंगे या नहीं जगेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नामर, चोटी झिले न झिले रट ले हरि जीवा, कृष्ण का नाम तू अंत समय फिर हिली न हिली। हे जीवा, आज तू कृष्ण का राम रट ले, अंत समय में हिलेगी या ना हिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। अतः प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कहते इसका कोई भरोसा नहीं। दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है भक्तों। यही बात सामवेद में कहा गया कि कई अच्छे अच्छे जन्म, कई कई जन्मों के अच्छे अच्छे कर्मों के वजह से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और यदि हम इस शरीर को गंवाएंगे तो बहुत ही बेकार है भक्तों। भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को भी यही कहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। मनुष्य, मैं तबले के साथ गाता तो आधे घंटा निकल जाता, इसलिए मैंने नहीं गाया। मनुष्य तन, मनुष्य मनुष्य का तन शरीर जो मिला ना, बहुत बड़ा भाग्य। सुर दुर्लभ, बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य, और हम क्या करते हैं शरीर को पाकर? गांजा पीते हैं, अफीम खाते हैं, दारू पीते हैं, इसलिए मिला ये जीवन है?
शराब पिए, गांजा पिए, इसलिए मिला है ये मनुष्य जीवन मिला है भक्तों, भगवान की भक्ति करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय न यानी जीवत सब समान सोई प्राणी। क्या कहते हैं? जीवत सव 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 समान वो प्राणी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भगवान की भक्ति नहीं करते तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो जिंदा लाश है, शव है, वो वेस्ट है। हमारे किचन में कुछ बच जाता है तो वेस्ट है ना, हम कचड़े में डाल देते हैं। तो ऐसे मनुष्य को जो है डस्टबिन में डाल देना चाहिए जो भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वो उद्देश्य तो हम कर नहीं रहे। इस शरीर की रचना हुई भक्ति करने के लिए, लेकिन हम भक्ति को छोड़कर इस शरीर में बाद बाकी सब कर रहे हैं। अतः प्रहलाद महाराज की बात को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और उसमें भी अध्रुवम इसका निश्चित नहीं। अतः हम सब लोगों को चाहिए, हम सब लोगों को चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें। हमें प्रहलाद महाराज की इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि जीवन जो है अध्रुवम है। यह आगे कहते हैं, यथा ही पुरुषस्य विष्णु पाद उपशरणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मश्वशुर। हम सब लोगों को चाहिए कि बुद्धिमान होकर, कैसे तो बुद्धिमान होकर शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करके शास्त्र के अनुसार भगवान भक्ति का प्रयास करें, अपने अनुसार नहीं। नहीं तो लोग गाते हैं, भांग खाए भोला हमार हो, कैसे मूर्ख लोग हैं बताइए आप। मतलब उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा जिंदगी में, आप इतना याद रखिए। और इसके लिए ना अलग से व्यवस्था है, वो नरक में जेल अलग से बना हुआ है, अलग से सजा है भाई। ये जो तू गाना गाते फिरता है ना, उसके लिए अलग से व्यवस्था है। आप विचार कीजिए भक्तों, भोलेनाथ के विषय में आया वैष्णव नाम यथा शंभु, मतलब वैष्णव के जो शिरमौर ये मुकुटमणि है ना, वो है भोलेनाथ। भोलेनाथ कौन है? वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ। और आप एक आज के तुच्छ वैष्णव को बोलेंगे भाई खैनी खाओगे तो नहीं बोलेगा, चाय पियोगे नहीं पिएंगे। तो आप विचार कीजिए फिर भोलेनाथ कैसे भांग खाते होंगे। थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस यूज करें तो समझ सकते हैं। लेकिन हमें क्या, अच्छा बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है, चलो घर पे लेके बजाते हैं इसको, भांग खाए धतुरा खाए, क्या है ये। भक्तो भोलेनाथ तमो गुणों के स्वामी हैं। कौन है? स्वामी है वो। जैसे एक जेल होता है, जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं और उस कैदी का कंट्रोलर कौन होता है? जेलर होता है। जेलर उस जेल का कंट्रोलर होता है। अभी वो जो जेलर है वो जेल में रहता है, ऑफिस है उसकी, लेकिन वो कैदी कहलाएगा? हम जेलर को कैदी कहेंगे कि वो कैदी है? उस जेलर है। उसी प्रकार भोलेनाथ जो है जेलर है इस तमो गुणों के, कि आपसे कंट्रोल नहीं हो सकता, ये तमोगुण मुझे दे दो मैं रख दूंगा। वो लेते नहीं है, वो इसके आदि नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है भोलेनाथ का। दूर दूर तक, नजदीक नहीं, बहुत दूर दूर तक ये भोलेनाथ। तो आगे कहते हैं, हम लोगों को शास्त्र के अनुसार भक्ति करने का प्रयास करने। तब प्रहलाद महाराज के जो सपाटी थे उसने पूछा कि प्रहलाद महाराज तुम कहते हो कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, यदि कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ऑफिस कौन जाएगा, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो बच्चों को स्कूल कौन लेके जाएगा, प्रहलाद हम तो दुखी हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखम इन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिणाम सर्वत्र लवेत देवात
यथा दुखम अर्थम। इस संसार में सभी लोग सुखी होने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आ रहा है। हम सब लोग सुखी होने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में क्या आता है? दुख आता है। हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। सवेरे सवेरे कोई व्यक्ति टाई जींस पहन के जा रहा है, पूछो कहां जा रहे हो, तो बोलते हम दुखी होने के लिए जा रहा है। ऐसा आपने कभी सुना कि वो व्यक्ति दुखी होने के लिए जा रहा है? सुना है? पूछो कहां जा रहे हो, ऑफिस जा रहे। क्या करोगे ऑफिस से? पैसे लाएंगे। पैसे लाके क्या करोगे? सुखी होएंगे। लेकिन वो पैसे लाकर भी सुखी नहीं हो सकता। जैसे जीवन में बिना प्रयास किए दुख आते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में बिना प्रयास किए सुख आएंगे। तो जिस प्रकार हम दुख नहीं चाहते लेकिन हमारे जीवन में दुख आता है, ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे प्रारब्ध में सुख है तो वो सुख मिलेगा। उसे पाने के लिए बहुत मेहनत, महा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। वो अति प्रयास, वो महा मेहनत भगवान की भक्ति करने के लिए होनी चाहिए, और वह भगवान की भक्ति बचपन से करनी होगी। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं बालकों को भक्ति करने की क्या जरूरत है। प्रहलाद महाराज कहते हैं बहुत बचपन से ही भक्ति होनी चाहिए। बचपन से की गई भक्ति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं हे मेरे मित्रों, बचपन से ही भक्ति करो, यदि आप बड़े हो जाओगे तो भक्ति करने का फिर अवसर कहां मिलेगा। कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिरान च मंत्रान सुहृत स्नेह सीता शिशुनाम कल अक्षरणाम अनुरक्त चीता। बड़े होकर कथम कैसे भक्ति कर पाओगे? क्योंकि जब आप बड़े होगे तब आपके पिताजी आपकी शादी करवा देंगे, और शादी करने के बाद जब नई नवेली दुल्हन घर पर आएगी, एकांत में रहस्यमय दोनों अकेले बैठे होंगे और तुम पानी मांगोगे, वो दूध का ग्लास लेकर आएगी। उस समय मीठी मीठी बातें, और उस समय पत्नी की मीठी मीठी बातें सुनकर कहां भगवान की याद आने वाली है। विवाह होने के बाद फिर वो बच्चे होंगे, बच्चे बड़े प्यार से मम्मी मम्मी डैडी डैडी करेंगे, उस समय उनकी तोतली बोली के सामने कहां भगवान याद आने वाला। और फिर बच्चे को स्कूल पढ़ाना, लिखना, भेजना है, कपड़े पहनाना, बच्चों को बड़ा करना, फिर बच्चों को शादी कराना, और उसमें भी कन्या है तो अच्छे घर में गई कि नहीं गई, दुख तो नहीं है, बस अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। कहते हम भक्त हैं, भक्ति करो, तो प्रभु जी हम तो फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो क्या तुमको बांधने के लिए ब्रह्मा जी आए थे? तू तो तेरी बुद्धि से पकड़ा हुआ है, कोई जबरदस्ती नहीं बंधा हुआ। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए, बोले महाराज मैं बहुत फंसा हुआ हूं, मैं विरक्त होना चाहता हूं, आप मेरी मदद करो। बोले नरेंद्र तुम कल आना। जब एक कल आए तो इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस एक खंभे को पकड़कर हाथ को ऐसे जोड़कर खड़े थे। बोले नरेंद्र मुझे इस खंभे से अलग करो, मुझे इस खंभे ने पकड़ लिया है। नरेंद्र हंसने लगे, बोले क्या महाराज, आप तो लोग बोलते हैं आप बहुत बड़े गुरु हैं, आपको तो कुछ भी नहीं आता। बोले क्यों? बोले इतना भी नहीं पता, खंभे को आपने पकड़ के रखा है, खंभे ने आपको नहीं पकड़ा है। उसी तरह जो गृहस्थी में है आप उलझ के रखे हैं, गृहस्थी ने आपको नहीं उलझाया है। प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा जब घर बनाता है तो अपने ही मुख से लार निकालता है, और अपनी लार ग्रंथि से अपने आजू बाजू घर बनाना शुरू करता है। बनाते बनाते एक दिन ऐसा घर बना लेता है कि निकलने का दरवाजा ही नहीं छोड़ता, अपने ही बनाए हुए घर में सड़ के मर जाता है। और कभी कभी लोग समाज के डर से भी भक्ति नहीं करते। बोले हम लोग कृष्ण की भक्ति करेंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे? समाज से डरते हैं। ऐसा तिलक करेंगे तो फिर समाज वाले क्या कहेंगे? कंठी पहनेंगे तो क्या कहेंगे समाज वाले? तो समाज से डरते हैं। तो क्या देता है ये समाज? दुख के अलावा और कुछ देता है ये समाज? एक संत बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि यदि आप अपनी दृष्टि सीधी रखकर चलोगे ना तो समाज वाले कहेंगे देखो
इसकी आंखें कितनी बिगड़ गई है, अपनी बहन बेटियों के ऊपर गलत दृष्टि डालता है, समाज वालों की बातें सुनकर आप अपनी आंखें ऊपर करके चलो तो ये समाज वाले क्या कहेंगे है? कितना अभिमान चढ़ गया इसे कि अपनी आंखें नीचे ही नहीं करता, और फिर वही समाज वालों की बातें सुनकर आप अपनी आंखें डाउन कर लो, नीचे कर लो, तो वही समाज वाले कहेंगे कुछ गलत काम करके आया है, निश्चित कुछ गड़बड़ की है इसने। ऊपर रखो तो भी कष्ट, नीचे रखो तो भी कष्ट, सामने रखो तो भी कष्ट। अब वही समाज वालों की बातें सुनकर आप अपने दोनों आंखें फोड़ दो तो समाज वाले क्या कहेंगे? किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है ये समाज। आज हाथी के मंडी पर बिठाएंगे, कल गधे के ऊपर बिठाएंगे, ये है समाज। आज प्रशंसा करेंगे, कल गाली देंगे, ये है समाज। दुख देने वाले हमारे अपने हैं भक्त। अतः जब बाल्यावस्था होती है तब ये कोई चिंता नहीं होती और खाली मन में भगवान का वजन बड़ा सुंदर होता है। इसलिए हे मेरे मित्रों, आज भक्ति करो। तो इस प्रकार भक्तों, बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि गृहम अंधकूपम, गृहस्थी में बड़ा दुख हो जाता है। कैसे दुख होता है? प्रहलाद महाराज इसको अंधकूप कहते हैं, अंधेरा कुआं। गांव में एक आध कुआं होता है जिसमें पानी नहीं होती, सूख जाता है, और जब पानी खाली हो जाती है तो लोग आना जाना छोड़ देते हैं, इसलिए उनके आजू बाजू घास सूख जाती है और इतने हो जाते हैं कि उस कुएं को घेर लेते हैं, फिर किसी को पता नहीं चलता है कि यहां कुआं है और क्या है। और जब बकरी घास चरने के लिए जाती है तो उस कुएं के ऊपर बहुत सुंदर हरा हरा घास देकर दौड़ती हुई जाती है, और जैसे ही खाने का प्रयास करती है धड़ाम करके गिर जाती है। एक आचार्य कहते हैं सिर के बल कुएं में गिरती सिर पड़ जाता है, ऐसी ही स्थिति हमारी है। हम भी ऐसे ही फंसे हुए हैं। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की आसक्ति को पूर्ण करने के लिए हम ऐसे ही फंसेंगे। ये कर लेंगे हम खुश, ऐसा हो जाएगा हम खुश, शादी कर लेंगे खुश, और फिर ठीक उसी प्रकार से हम इस गृहस्थ रूपी अंधकूप में गिर जाते हैं। फिर वो बकरी की तरह किसी प्रकार से कुएं में गिरकर तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं। जिस प्रकार वो बकरी गिरकर तड़पती है लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता, और वे खुद लाख प्रयास करती है परंतु वह निकल नहीं सकती जब तक ऊपर से कोई रस्सी डालकर नहीं उठाए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वो बकरी तब तक नहीं उठ सकती जब तक बाहर से कोई उसे रस्सी ना दे। वैसे ही हम भी इस संसार में फंसे हुए और उसे बाहर निकालने के लिए हम इस्कॉन के भक्त जाते हैं और ये माला रूपी रस्सी छोड़ते हैं। ये माला, ये भागवत और गीता रूपी रस्सी हम छोड़ते हैं, और जो व्यक्ति इसे पकड़ता है वो अंधेरे कुएं से बाहर निकल जाता है, और जो नहीं पकड़ता है वो अंधेरे कुएं में गले गिरे गिरे सड़ जाता है। एक आचार्य तो कहते हैं ये जीवन एक दलदल के समान है। आदमी जितना निकलने का प्रयास करता है उतना फंसते जाता है, और बाहर से मदद चाहिए तो कोई देने वाला नहीं, खुद से निकल नहीं सकता। उस गृहस्थी से निकलने के लिए, उस अंधकूप से निकलने के लिए मैं भागवत की मदद। एक गांव में एक बार एक सर्कस वाले आए, और सर्कस वालों ने बहुत सुंदर प्रचार किया, एक रुपए में सर्कस। और उसने ऐसा शर्त रखा कि पहले आओ पहले पाओ। एक कंडीशन रखी कि एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर जाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। बोले ठीक है भाई। सब लोग गांव में टिकट ले लिए, और जो सबसे मोटा तगड़ा आदमी था वो सबसे आगे जाके खड़ा हो गया, बॉडी बिल्डर आदमी जाके आगे खड़ा हो गया। बोले आगे तो मैं ही सबसे पहला शो देखूंगा, फर्स्ट शो देखने का आनंद मैं ही लूंगा। तो वो व्यक्ति जाके आगे खड़ा हो गया। जल्दी सर्कस चालू करो। 10 बजा सर्कस चालू हुई, उस व्यक्ति को अंदर लेके गए।
वो व्यक्ति देखता है कहीं कोई नहीं है, अकेले जाके बैठा है, बोल रहे सर्कस चालू करो, मैं आ गया हूं अंदर, जल्दी चालू करो। चालू ही नहीं हो चाहे कुछ दिन, कुछ देर के बाद दो चार मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग आए और इसको पकड़ के कूट दिए, एकदम धो दिए इसको, पूरा मारे। अब बेचारा बोला मैं तो गांव का सबसे पहलवान आदमी हूं, मैं बोलूंगा कि मुझे मारे तो लोग बोलेंगे ये पहलवान मार खा गया, मेरी बदनामी होगी, क्या करूं मैं। कपड़े उपड़े पहने अच्छे से बाहर आया, कैसा सर्कस, एक नंबर सर्कस, बहुत मस्त सुपर। अब दूसरा व्यक्ति और विचलित, अरे अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा। दूसरा विचलित, अरे मैं आ गया, सर्कस चालू करो। फिर से वो तीन चार मुस्तंडे आए, उसको फिर से कूटे, फिर पकड़ के मारे इसको, फिर धो दिए इसको। अब ये सोचता है दूसरा वाला यार बोला कि उसे बहुत अच्छा सर्कस दिखाए, मुझे तो कूट दिया इसने। अभी मैं बाहर जाके बोलूंगा कि मुझे कूटा है, तुम लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे, एक काम करता हूँ, नहीं बोलूंगा। ये भी गया, अरे कैसा सर्कस था, अरे मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तीसरा व्यक्ति और एक्साइटेड, अरे अभी मेरा नंबर है, मैं जाके देख के आता हूँ। वो भी गया, वो भी कुटा के आया, सब लोग जा रहे खा रहे खा रहे, और आके बाहर बोल रहे कैसा है, रे मस्त है, एकदम सुपर, फर्स्ट क्लास। हंस रहे, हंसी आ रही ऐसे लात जूता हम खा रहे डेली, माया देवी में लात घुसे मार रहे और हम प्रसन्न है, भगा रही है, हम भग रहे। सवेरे उठो ऑफिस, शाम को आओ घर पे सो जाओ, सवेरे उठो ऑफिस, घर आओ सो जाओ, यही है जीवन। जैसे उस सर्कस में मार पड़ रही थी और कोई व्यक्ति जाए और पर्दा हटा के देखे कि अंदर तो मार पड़ रही है, तो व्यक्ति जब बाहर आएगा तो कुछ लोग उनकी बात को मान लेते और वो नहीं जाते तो बच जाते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति इस भागवत के संदेश को समझ सुनकर उसे त्यागता है और भगवान की शरण को ग्रहण करता है, तो उसे उस मायादेव की लाद जूते नहीं पड़ते, वो बाहर निकल जाते हैं और अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। भक्त तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्ति जो है हमें कब से करनी चाहिए, बचपन की अवस्था से। यदि हम बचपन की अवस्था से भक्ति नहीं करेंगे ना, तो हम जब बूढ़े होंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, ये फाइनल है। कैसे करेंगे, जो हमने जीवन भर किया वही तो अंत समय में याद आएगा ना। पके हुए हंडी पे मिट्टी चढ़ती है क्या, पके हुए हंडी पे कच्ची मिट्टी चढ़ेगी, कभी नहीं चढ़ेगी भक्तों। इसी प्रकार जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम पक जाते हैं और उस पर यदि हम फिर भक्ति चढ़ाना चाहे मुश्किल हो जाता है। इसलिए बचपन से कुमार आचरित प्राज्ञ, कुमार अवस्था से भक्ति करनी चाहिए, और नहीं तो फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। और ये कौन सी परंपरा है बताओ आप मुझे, आप थोड़ा विचार कीजिए कि हमारे पास एक फूल है, फ्रेश फ्लावर, अच्छा सुंदर फ्लावर है, सुगंधित। अभी हमने क्या किया, उस फ्लावर को दो दिन अपने पैकेट में रखे, खूब स्मेल किया उसको, खूब उसका स्मेल जो अंदर लिया, बहुत सुंदर फूल है, धूप में गया वो फूल मुरझा गया। अच्छा अभी ये मुरझा गया, चलो भगवान को दे देते हैं, तो ऐसे फूल भगवान एक्सेप्ट करेंगे? ये हमारा जिंदगी फूल की तरह है, हम इसे क्या कर रहे हैं, मजे में पार कर रहे हैं। ये जिंदगी क्या करेगी हमारी, हमें भी मजे में पार करे। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमने जो फ्रेशनेस था अपना वो गवा दिया, और जब हम बूढ़े हो गए, जब हम सूख गए, भद्दे हो गए, तो भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें कहां से एक्सेप्ट करेंगे। कोई आप सड़ा हुआ गुलदस्ता भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान लेंगे, या फिर आपको चढ़ाने की इच्छा होगी, नहीं होगी, तो फिर ये बाद वाली जिंदगी कैसे भगवान की। भगवान को तो शुरू से भक्ति करनी चाहिए, कुमार आचरित पाग्य, कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब हम कुमार अवस्था में है उसी समय से, नहीं तो ये जो इतनी मेहनत के बाद ये जिंदगी मिली है ना, 84, ये जो 84 का चक्कर है इसमें फंसे रहेंगे। ये कैसे हो जाएगा मालूम है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं,
गए रेडी हुए और हमारी ट्रेन छूट गई। प्लेटफॉर्म पे गए हम और हमारी ट्रेन छूट गई, कितना खराब लगेगा ना हमें, कितना बुरा लगेगा। वैसा ही है भक्तों, हम ऑलरेडी रेडी हो गए, तैयार हो चुके हैं, प्लेटफॉर्म पे आ चुके, ये मनुष्य जीवन रूपी प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है। अब हमें चाहिए कि उस ट्रेन को हम पकड़ लें। यदि ट्रेन को नहीं पकड़ेंगे ना तो हम उसी स्थान पर छूट जाएंगे, आगे नहीं पड़ेंगे। तो जब ट्रेन आए तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उस ट्रेन को पकड़ लें। और जब हम ट्रेन को पकड़ भी लें तो हमें चाहिए क्या, अब ट्रेन किधर जाएगी हमें मालूम है, दिल्ली जाना है लेकिन वही ट्रेन की रूट जो है बॉम्बे चली जाती है। ट्रेन की रूट देखिए आप, यहाँ से दो ही लाइन जाती है लेकिन एक लाइन बॉम्बे एक लाइन दिल्ली चली जाती है। हमें जाना बॉम्बे है, चले जाएंगे हम दिल्ली, यदि उसमें परफेक्ट ड्राइवर नहीं हो तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में करणधार रूपी एक गुरु धारण करें। जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। गुरु कैसे होने चाहिए इसका उदाहरण मैंने कल आपको दिया कपिल देव और माता देवहूति के संवाद से। गुरु की क्या क्या लक्षण है, एक साधु का क्या क्या लक्षण है। इसलिए भक्तों हमें चाहिए कि हम अपनी भक्ति करें और एक गुरु को पकड़े। ये गुरु और भगवान, भक्ति क्षमा कीजिए, गुरु और भक्ति दो ट्रैक है भगवान तक पहुंचाने के लिए। जैसे एक ट्रेन दो ट्रैक पे चलती है, दो उसकी लाइनें होती है, उसी प्रकार भक्ति और गुरु दो लाइनें जो हमें भगवान तक पहुंचाती है। याद रखिए इस बात को। तो इस प्रकार परिचित क्षमा कीजिए प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर 26 श्लोकों में उपदेश दिया, ये अद्भुत श्लोक है भक्तों, अद्भुत ज्ञान। और जब प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार प्रवचन कर रहे थे तो उस समय स्तंडोर अमर का गए अपने घर का काम लेकर वापिस आए, और वापिस आकर देखा तो पता चला कि स्तंडोर अमर जो है, क्षमा कीजिए प्रहलाद महाराज जो है अपने घर पर, क्षमा कीजिए उस स्थान पर इनके जो इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, फाइटिंग सिखाया जाता था, मार्शल आर्ट जूडो कराटा ये सब छोड़ के ये भगवान की भक्ति में लग रहा है। संडमर्क ने सोचा अगर हिरण्यकश्यप को ये बात पता चल गया तो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्हें पता चले इससे पहले हम ही उन्हें बता देते हैं। तुरंत संडोरमर्क प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप के पास गए और संडोरमर्क प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को के पास ले जाकर जो कहते हैं सूरदास जी अपने पद में वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, हम तो बहुत भांति परिहारे, हम भांति परिहारे, हम तो बहुत परिहारे, इन तो राम ही नाम उचारे, इन तो राम नाम उचारे। हम तो बहुत भांति परिहारे, इन तो राम ही नाम उचारे, इन तो प्रहलाद महाराज के गुरु संडोर अमर्क हिरण्यकश्यप से कहते हैं, महाराज हमने आपके पुत्र को बहुत मनाया बहुत समझाया लेकिन आपका ये बालक समझ नहीं रहा, हमारे बार बार समझाने पर भी ये राम का नाम ही ले रहा है,
ये विष्णु का नाम लेना बंद ही नहीं कर रहे। इन तो राम ही नाम उचारे, इन तो इन तो राम ही नाम उचारे, हम तो बहुत भांति पछिहारे, महाराज हमारे बार बार कहने पर भी ये विष्णु का नाम लेना बंद नहीं कर रहा है। जब राम का नाम, विष्णु का नाम हिरण्यकश्यपु ने सुना तो तिल मिला गया। तब हिरण्यकश्यपु कहते, प्रहलाद तुझे मैं बार बार मारने का प्रयास कर रहा हूं, तुझे भय नहीं लगता? बोले, नहीं पिताजी मुझे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है। तुझे बार बार मारने का प्रयास कर रहा हूं फिर भी तू मर क्यों नहीं रहा है? तू कोई मंत्र जानता है? तू कोई तंत्र जानता है? नीप कहयो कोई मंत्र कछु जानी, नीप कहियो मंत्र जंत्र कछु आही, नीप कहियो मंत्र जंत्र कछु आही, नीप सो तुम मोके दे ही बताए, सो तुम मोके दे ही बताए, सो तुम मोके दे ही बताई। प्रहलाद तू कोई जंत्र जानता है? तू कोई मंत्र जानता है? तुझे बार बार मारने का प्रयास कर रहा हूं, तू मर क्यों नहीं रहा है? तुझे पहाड़ों से गिराया गया, होलिका के गोद में जलाया गया, जर खिलाया गया, सांप से डसाया गया, हाथी के नीचे कुचल लिया गया, फिर भी तू मर क्यों नहीं रहा? तुझे कौन बचा रहा है? तेरे बचाने वाला कौन है? तेरे बचने का कारण क्या है? नीप कहियो मंत्र जंत्र कुछ आई, नीप कहियो नीप कहो मंत्र जंत्र कछुआई, सो तू मोको दे ही बताई, सो तू मोगो दे ही बताई। मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम, मंत्र जंत्र रे हरि नाम, मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम, जब हिरण्यकश्यपु ने मुझे मरलाद प्रहलाद तुझे बार बार मारने के बाद भी कौन बचा रहा है तुझे? तू कोई मंत्र जानता है? तू कोई तंत्र जानता है? बोले, नहीं पिताजी मैं कोई मंत्र नहीं जानता, मैं कोई तंत्र नहीं जानता, मुझे बचाने वाला तो एकमात्र भगवान विष्णु का नाम है। जैसे ही मैं भगवान विष्णु का नाम लेता हूं, भगवान तुरंत मुझे बचाने के लिए आ जाते हैं। मंत्र जंत्र मेरो हरि नामा, मंत्र जंत्र मोरे, मंत्र जंत्र मेरो हरि नामा, मंत्र
घट घट में जाको विश्रामा, घट घट में घट घट में जाको विश्रामा, जाको विश्रामा। मेरे मंत्र जंत्र एकमात्र विष्णु का नाम है। अच्छा, तुझे विष्णु बचाता है? विष्णु तुझे बचाता है? विष्णु तुझे बचाने के लिए आता है? बता तेरा विष्णु कहां है? आज मुझे तेरे विष्णु को देखना है, बता तेरा विष्णु कहां है? तब प्रहलाद कहते हैं, पिताजी आप ये कहिए मेरे विष्णु कहां नहीं है? मेरा विष्णु तो संसार के घट घट में है, यत्र सत्र यत्र तत्र सर्वत्र समस्त जगत में मेरे भगवान है। घट घट में जाको विश्रामा, घट 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 में जाको विश्रामा, जहाँ तहाँ सोई करत सहाई, जहाँ तहाँ सोई करत सहाई, जहाँ तहाँ सोई करत सहाई, जहाँ सो तेरो कछु न बसाई, तासो तेरो। हिरण्यगर्भ ने कहा, बता तेरा विष्णु कहां है? तब प्रहलाद कहते, पिताजी आप ये कहिए मेरे विष्णु कहां नहीं है? मेरे विष्णु संसार के घट घट में है, यत्र तत्र सर्वत्र चतुर्वक्त्र समस्त जगत में मेरे भगवान है। प्रहलाद ने कहा, भगवान सब जगह पर है? प्रहलाद महाराज कह रहे कि भगवान सब जगह पर है मेरे, आप ये कहिए मेरे विष्णु कहां नहीं? प्रहलाद ने कहा, मेरे भगवान सब जगह है। तब हिरण्यकश्यपु कहते हैं, आज मुझे तेरे विष्णु को देखना है। तो उसी समय उनके महल में अनेक खंभे थे, अनेकों पिलर बनी हुई थी उस महल में। हिरण्यकश्यपु की नजर एक खंभे पर गई। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? वास्तव में उस खंभे में भगवान नहीं थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा, हां यत्र तत्र सर्वत्र अभी मेरा भगवान सब जगह पर है, तो इस खंभे में भी मेरे भगवान है। जैसे ही प्रहलाद ने कहा इस खंभे में मेरा भगवान है, उस समय हिरण्यकश्यपु ने अपनी वज्र के समान कठोर मुष्टिका बनाकर उस खंभे के पास गया और अपनी उस मुष्टिका का एक प्रहार जैसे ही उस खंभे के ऊपर करने का प्रयास किया, उसी समय देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, ऋषि मुनि की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, जैसे ही प्रहलाद महाराज ने कहा कि हां मेरे भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पर है, इस खंभे में भी मेरे भगवान, हिरण्यकश्यपु उसी समय अपनी वज्र के समान एक मुष्टिका बनाकर उस खंभे के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही उसने उस खंभे के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया, उसी समय देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, ऋषि मुनि की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, देश में कटती हुई गायों की संरक्षण करने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, भगवान नरसिंहदेव उस खंभे को तोड़कर प्रकट हो गए। जैसे ही उस खंभा टूटा, उस खंभे से दिव्य नाद प्रकट हुए। जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों नगाड़े एक साथ बज उठे, जैसे आकाश के सारे बादल एक साथ गरज उठे, वैसे ही एक भयंकर आवाज हुई, एक दुर्लभ गर्जना हुई। इस आवाज को सुनकर देवताओं ने अपने कानों पर हाथ रख लिए
अप्सराओं की मृत्यु बंद हो गई, सूर्य की दिशा बदल गई, सूरज पश्चिम की ओर जा रहा था पूरब में जाने लगा, समुद्र की गति बदल गई, आकाश और पर्वत तिलमिलाने लगे। भगवान नृसिंहदेव के नाद सुनकर हिरण्यकश्यप कांप गया। भक्तों, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, उस खंभे को तोड़कर भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप देखता रह गया, अद्भुत शरीर, ना नर है ना सिंह है ना सिंह, प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह देव के दिव्य विकराल शरीर, भगवान नरसिंह देव के कान ऊंचे, पहाड़ की गुफा के समान उनकी नासिका, भयानक नख, भगवान नरसिंह देव की विशाल छाती, कमर पतली चंद्रमा के समान चमचमाते हुए भगवान नरसिंह देव के रोंगटे, उनके शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश पुंज निकल रहा है। भगवान नरसिंह देव के लपलपाती हुई तलवार के समान जीवा, भगवान नरसिंह देव सैकड़ों सैकड़ों भुजाएं, भगवान नरसिंह देव के सैकड़ों सैकड़ों भुजाएं सैन्य की काम कर रही है। सर्वप्रथम भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, उकर जैसे ही चलने लगे, भगवान के चलने की आवाज से, चलने की धमक से ब्रह्मांड डोलने लगा। और सर्वप्रथम भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप की जो सैन्य थी उस सेन को उठा उठाकर काट दिया, विध्वंस कर दिया। और तब हिरण्यकश्यप अपनी तलवार लेकर भगवान नरसिंह देव के ऊपर टूट पड़ा। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप के बीच जो घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध छुड़ा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ, युद्ध करते करते भगवान नरसिंह ने देखा कि संध्या का समय हो चुका है। संध्या का समय होते ही भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे गरुड़ सांप को देखता है, वैसे भगवान श्री नरसिंह देव ने अपनी दृष्टि हिरण्यकश्यप के ऊपर डाली। और जैसे गरुड़ सांप को झपट मार के उठा ले, भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे गरुड़ सांप को झपट मार के उठा ले, वैसे भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों में उठा लिया। भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का मारने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकश्यप को अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। हिरण्यकश्यप के मस्तक से ताज गिरने लगा, हिरण्यकश्यप का दाहिना अंग फड़कने लगा, दीदी के हृदय से खून चूने लगा, साधुओं के मन में आनंद होने लगा, यसुओं के मन में क्षोभ होने लगा, ब्रह्मांड फटने लगा। भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकश्यप को लेकर चौखट पर आए, हिरण्यकश्यप को अपने गोद में सुला दिए। और जैसे एक चटाई बनाने वाला मिस्त्री एक घास को फाड़ देता है, एक गरुड़ एक सर्प को फाड़ देता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को जैसे ही मारा, आकाश में देवता प्रकट हुए, भगवान नरसिंहदेव के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगे और समस्त लोग भगवान नरसिंहदेव की जय जयकार करने लगे। नरसिंहदेव भगवान के, नरसिंहदेव भगवान के, तव कर कमल वरेण कामर भूत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यप तनु भृंगा केशवतीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरेण कामद्भुत श्रृंगां दलिता हिरण्यकश्यप तनु भृंगा केशवद्रिता नरहरि रूपा हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्तों,
आज भागवत जी के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र में, इस घर में भगवान श्री नरसिंहदेव का प्राकट्य हुआ। सब लोग भगवान श्री नरसिंहदेव की स्तुति कीजिए। तव कर कमल वरे न काम अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्य कश्यप धनु भृंगा केशव द्रीदा नर हरि रूपा जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे न काम अद्भुत सिंगाम दलिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा केशव द्रीदा नर हरि रूपा जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे न काम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा केशव द्रीदा नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव द्रीदा नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे सर्व विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वैसे देखा जाए तो भगवान उस खंभे में नहीं थे परंतु सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। आरती की थैली रेडी कीजिए। अस्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। वैसे उस खंभा में भगवान नहीं थे परंतु प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान को आना पड़ा। भगवान कभी भी अपने भक्त की बात को मिथ्या नहीं करते। कुछ लोग आज के लोग उंगली उठाते कि ये पत्थर को पूजते हैं। अरे प्रहलाद महाराज ने सीमेंट और छड़ की बनी हुई खंभे में कह दिया भगवान है तो भगवान को आना पड़ा। भगवान ने दिखा दिया कि मैं पत्थर को तोड़ के प्रकट हो सकता हूं। विश्वास होना चाहिए। वैसे भगवान नरसिंहदेव की कथा बहुत लंबी है भक्तों। भगवान नरसिंहदेव ने बिल्कुल उग्र रूप धारण कर लिया। सारे देवता भयभीत हो गए थे। उस समय निर्विघ्न प्रहलाद ने, यहां तक कि लक्ष्मी देवी जो है भगवान के पास गए तो भगवान ने भयंकर गर्जना की, नरसिंह देवी भाग खड़ी हुई। उस समय निर्विघ्न प्रहलाद ने भगवान को हार माला पहनाई, बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चीज से मांगो। भक्त ने कहा प्रभु, प्रहलाद महाराज ने कहा कि प्रभु अद्यपि मेरे पिता असुर थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे, मुझे भक्ति करने में बहुत बाधा दे रहे थे, आपके चरणों में यही विनंती है कि आप मेरे पिता को सदगति प्रदान कीजिए। तब भगवान नरसिंह देव ने कहा बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा लेता है उस कुल का 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर देता हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे पिता को वैकुंठ प्रदान किया, परिवार में एक भी पुत्र प्रहलाद जैसा हो जाता है पूरे परिवार को उतार देता है। इस प्रकार सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं। भगवान नरसिंहदेव का स्मरण करने से, भगवान नरसिंहदेव की प्रार्थना करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट विघ्न नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं यत पाद पल्लव युग्मन विघ्नाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समाय गणाधिराज विघ्न विहंतु मलम अशाय जगत त्रषाय। कहते हैं गजानन गणपति महाराज संसार के विघ्नों को हरते हैं, लेकिन संसार के विघ्नों को हरने की शक्ति गणपति गजानन महाराज को कहां से मिलती है? गणपति गजानन महाराज संसार के विघ्नों को हरते हैं लेकिन उनको यह शक्ति कहां से मिलती है? तो कहते हैं भगवान नरसिंहदेव के चरणों से निकली हुई एक छटाक्ष मात्र
कृपा जो है गणपति गजानन महाराज के ऊपर है, और उसी कृपा छटाक से आज गणपति गजानन महाराज समस्त जीवों के दुख को हर रहे, विघ्न को हर रहे। भगवान नरसिंह देव से यही प्रार्थना है, यहां पधारे हुए समस्त श्रोताओं की रक्षा करें, समस्त को सभी श्रोताओं के विघ्न को हरें। इसी के साथ आज के सत्र को यहां विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भक्तों आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल लीला रति रस रस निदान की लीला आरती अति पावन पुराण की कली मल मत निति ताप निवारणी जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सोम हो सदि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भागवत तत्परहर्ष प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमांस मुनि मन उल्लासिनी रशि करिदय रश राश विलाशिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदाशिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल नाचते हुए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग नृत्य करते हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजलि माता जी हरि बोल, नाचना है बुढ़िया माता जी नाचे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मामा जी नाचना है हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यो धर्मराज हरि नाम संकीर्तन की, गरंदराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा माधव की, श्री महाप्रभु की, श्री कृष्ण बलराम की, सर्व विघ्न हर्ता श्री श्री नरसिंह देव भगवान की, भक्तराज भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौ प्रेमानंदे
हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।